तो फर्स्ट थिंग है कि हम लोग जो चैप्टर आज करने बैठा है, दैट इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एंड ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका मतलब है इसका डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज व्हाट? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, यू नो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल मतलब इसमें हाईएस्ट पावर कितना है, दैट इज टू। और मैं ये भी बताया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में क्या होता है, पॉलिनोमियल में होता है कि उसमें इज इक्वल टू जीरो नहीं रहते हैं, पॉलिनोमियल में इज इक्वल टू जीरो नहीं रहते हैं, जो कि इक्वेशंस में होता है इज इक्वल टू समथिंग कुछ होता है। दिस इज द डिफरेंस। सो अब देखो एक साउंड मैं कराने जा रहा है, मैं जो स्लाइड शेयर कर रहा हूं उसको दिखाई दे रहा है? यस सर। अब देखो मैं एक साउंड कराने जा रहा है, तुम्हें चेक करना है वेदर इट इज इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन एंड देन एक्स माइनस टू होल क्यूब। ये 8 नंबर का साम साम करा रहा है बोर्ड में, प्लीज लुक एट द बोर्ड, चेक करना पड़ेगा वेदर इट इज पॉलिनोमियल और नॉट। एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस टू होल क्यूब। बोले इसको चेक करके दिखाओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना नॉट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या है, इसका डिग्री टू होना पड़ेगा, समझ गए तुम लोग? तो चलो एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ए माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है? एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर डॉट टू प्लस थ्री इंटू एक्स डॉट टू स्क्वायर, नोट इट डाउन, माइनस टू क्यूब। सो दैट मीन्स व्हाट शुड वी डू, एक्स क्यूब माइनस थ्री टू जो सिक्स, सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर मतलब कितना है, फोर इंटू थ्री हाउ मच, ट्वेल्व एक्स माइनस एट। और इसमें क्या था, एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ये एक्स क्यूब कट जाते हैं, सिक्स एक्स स्क्वायर अगर इधर से इधर चला जाएगा क्या होता है, प्लस सिक्स स्क्वायर होता है, तो इधर से इधर जाने से प्लस सिक्स स्क्वायर, तो सिक्स एक्स प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स स्क्वायर क्या होता है, टू एक्स स्क्वायर होता है, ट्वेल्व एक्स इधर जाने से क्या होता है, माइनस ट्वेल्व एक्स होता है, तो माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस माइनस ट्वेल्व एक्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस थर्टीन एक्स होता है।
माइनस एट इधर से इधर जाने से क्या होता है प्लस एट होता है, सो वन, और इधर से माइनस एट इधर से इधर जाने से प्लस एट, सो प्लस वन प्लस एट मतलब क्या होता है यह आ गया। एनीबॉडी इज हियर, इसका प्रॉब्लम हो रहा है समझने के लिए बताओ प्लीज, डू नॉट हेजिटेट टू आस्क। नो सर। सो अब बताओ मुझे वेदर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। यस यस सर। यस सर, एग्री टू यस, क्योंकि हाईएस्ट पार्ट ऑफ द वेरिएबल कितना है टू है, सो दैट मींस दैट्स व्हाई इट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो तुम्हें जो करने के लिए मैं बोला था ये सारे को ऐसे करके कैलकुलेशन करके देखना है वेदर इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, राइट? आई थिंक सकोगे। तो ये एक्सरसाइज का एक का अंदर में एक से आठ का अंदर जो सबसे खराब दिखने के लिए है उसको मैं कर दिया। सर हाँ बोलो सर, अगर नंबर लोग फ्रैक्शन में आएगा तब भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होगा। क्यों नहीं, हाईएस्ट पार्ट ऑफ द वेरिएबल का तुम्हें टू रहना है बस। अभी देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम लोग क्वेश्चन फॉर्मेशन भी सीखेगा। जो सम्स मैं दिया था टू का टू, इफ यू हैव द बुक टू का टू या टू का थ्री किया था मैं, टू का थ्री किया था मैं, टू का थ्री का क्या क्वेश्चन था देखो, रोहन्स मदर 26 इयर्स ओल्डर देन हिम, रोहन्स मदर 26 इयर्स ओल्डर देन हिम, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 इयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। ये दोनों का जो ये माने 3 इयर्स फ्रॉम नाउ मतलब 3 इयर्स लेटर। तो हम अगर एज्यूम करेगा, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, मैं अगर एज्यूम करेगा रोन्स एज बी एक्स, सो उनका मदर का एज कितना होगा 3 इयर्स ओल्डर है कि नहीं, रोन्स एज है एक्स, सो उनका मम्मी का एज कितना होगा 26 इयर्स ओल्डर देन हिम, प्रेजेंट एज क्या होगा मम्मी का एक्स प्लस 26 एज। समझ में आ रहा है? यस सर। तो बोला 3 इयर्स फ्रॉम नाउ मतलब क्या होगा 3 इयर्स लेटर, तो रोहन का एज कितना होगा 3 साल बढ़ जाएगा, उनका मम्मी का एज भी 3 साल बढ़ेगा, तो मम्मी का एज कितना होगा एक्स प्लस 29 होगा। किसी का तकलीफ होगा तो डू नॉट हेजिटेशन, विदाउट एनी हेजिटेशन प्लीज आस्क। आप क्या बोला है प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, प्रोडक्ट ऑफ देयर एज मतलब क्या होता है एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29। And that is equal to 360. That part.
कॉन्सेप्ट समझ गए? यस सर। यस सर। कोई है जिसका कोई हेजिटेशन है, कोई तकलीफ है, समझने के लिए तकलीफ हो रहा है? प्लीज आस्क विदाउट हेजिटेशन। सो देखो, हम इधर साम्स में क्या किया है, लोन सेज भी एक्स ईयर्स, मदर सेज भी एक्स प्लस 26 ईयर्स, लोन सेज एक्स प्लस 3 आफ्टर 3 ईयर्स, हेंस मतलब 3 एक्स प्लस 3, मदर्स एज कितना होगा 26 प्लस 3, सो एक्स प्लस 29। अब क्या हो जाता है कि एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इज इक्वल टू क्या हो गया, 360 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करो, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, एक्स इंटू एक्स बनता कितना है, एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 29 बनता कितना है 29x, 3 इंटू एक्स बनता क्या है 3x, एंड देन 3 इंटू 29 क्या होगा 87। सो दैट मीन्स ये तो हो गया, अभी 29 प्लस 3 कितना होता है 32x होता है। ये 360 जो इधर से इधर जाएगा तो क्या होता है 87 माइनस 360 माइनस 87 करके देखो माइनस 273 आता है, माइनस 360 आ गया ना, ये इधर आ गया तो कम्स व्हाट माइनस 273। क्लियर ऑन नोट बताओ। तो मुझे सिर्फ इक्वेशन फॉर्म करने दिया था, अगर तुम्हें बोलेगा कि रोम्स का एज भी निकालो तो इधर से तुम लोग ये करके रखा है ऑलरेडी, पॉलिनोमियल सीख गया, तो इधर से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करोगे या फिर तुम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जानते हैं, वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अभी सिखाएगा तुम लोगों को, ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जानते हैं उसको करो। सॉल्व करने का वेरियस वे है, ये चैप्टर में तुम लोग सीखेगा कि ऐसा अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम मिलेगा उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, तुम लोग सीखेगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वन ऑफ देम। एंड हम लोग ये भी जानते हैं, ये सीखेगा हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सीखेगा और सीखेगा कि मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, वेरी गुड मेथड, ये सब सीखेगा हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओ। A train travels distance 480 किलोमीटर। A train travel कर रहा है a distance of 480 किलोमीटर at a uniform speed। तो ट्रेन को मूव करना है कितना, 480 किलोमीटर मूव करना है। That means total distance covered कितना है 480 किलोमीटर। If the speed if the speed had been 8 किलोमीटर per hour less, अगर speed बोला है 8 किलोमीटर per hour less, then it would have been taken 3 hours more to cover the same distance। मुझे निकालना क्या है, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। सिंपल बात है, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट है। टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है 480। यूनिफॉर्म स्पीड कितना है, एक्स किलोमीटर पर आवर। स्पीड कितना है वी, डिस्टेंस कितना है
एस तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं v इज इक्वल टू s बाई टी राइट। अगर ये होगा तो v क्या हो गया x, तो हम एक काम करते हैं तो t इज इक्वल टू क्या होगा s बाई वी, मतलब कितना टाइम लगेगा 480 बाई एक्स, इतना आवर लग रहा है। विदाउट एनी हेजिटेशन समझो बात को, क्योंकि हम लोग का प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट लोग का कि क्वेश्चन फॉर्म इक्वेशन फॉर्मेशन में, तो मैं इसीलिए मैं तुम लोग को सिखा रहा है इक्वेशन फॉर्मेशन कैसे करना पड़ता है। तुम लोग ट्राई करो हमारा साथ सीखने के लिए, नहीं समझ में से बताओ मैं तुम लोग को मदद करूंगा अभी। तो v इज इक्वल टू s by t हम लोग क्लास 9 में सीखा था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। अगर स्पीड हो गया तुम्हारा s, मतलब हो गया डिस्टेंस, तो मैं लिखा है, तो अगर v इज इक्वल टू s by t होगा तो t इज इक्वल टू क्या होगा s by v, s by v मतलब s मतलब क्या हो गया डिस्टेंस, v मतलब क्या हो गया तुम्हारा स्पीड, 480 बाई एक्स हो गया, ये हो गया टाइम, इतना आवर है। बोला है अगर स्पीड हैड बीन 20 किलोमीटर 8 किलोमीटर लेस, अगर स्पीड हैड बीन 80 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव बीन टेकन 3 आवर्स मोर। एक चीज मुझे बताओ, कमती स्पीड में जाने से ज्यादा टाइम लगेगा कि कमती टाइम लगेगा? ज्यादा टाइम, ज्यादा टाइम लगेगा। मान लो इसको मैं T1 पकड़ रहा है, दिस पार्ट को हम लोग T1 पकड़ रहे हैं राइट, और T2 पार्ट क्या होगा? बोला है इफ सॉरी स्पीड अगर 8 किलोमीटर लेस, मतलब क्या होगा x माइनस 8 होगा, इज दैट इट? दैट मींस अगर 8 किलोमीटर लेस होगा डिस्टेंस तो वही है, डिस्टेंस तो चेंज नहीं हुआ है ना, तब दैट मींस क्या होगा इट वुड हैव बीन टेकन 3 आवर्स मोर, मतलब क्या करना पड़ेगा टाइम ज्यादा लेगा। दैट मींस वी नो कि T2 इज द ग्रेटर देन T1, T2 इज ग्रेटर देन T1, क्योंकि T2 का ज्यादा टाइम लगा ना, क्योंकि उसमें स्पीड कम थी था और इसे कमती टाइम था क्योंकि वो स्पीड ज्यादा था। बताओ ये लॉजिक क्लियर है कि नहीं? यस सर। अगर ये क्लियर है तो दैट मींस व्हाट कुड वी से कि T2 और T1 का भी इक्वल होगा, 3 आवर्स मोर बोला है, तो कैन वी राइट T2 बड़ा है ना, T2 माइनस T1 is equal to 3, T2 बड़ा है क्योंकि उसमें स्पीड कम था इसलिए टाइम ज्यादा लगा है, और x जो है इसका क्या होता है स्पीड जो है x जो स्पीड है ये स्पीड ज्यादा था इसलिए टाइम कम थी लगा है। तो अभी बोला है T2 क्या होता है 3 घंटा ज्यादा लेगा क्योंकि स्पीड कम थी है बोल के, तो मैं बोल सकता दोनों का अंदर टीम का टाइम का डिफरेंस कितना होगा 3 आवर्स मोर होगा। मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर।
सो चलो सम्स में चला जाता है, क्या बोला देखते हैं। ये लोग क्या किया देखो, टाइम टेकन ट्रेवल 480 किलोमीटर 480 बाई एक्स, क्योंकि v इज इक्वल टू s बाई टी जो मैं लिख दिया था, v इज इक्वल टू s बाई टी मतलब t इज इक्वल टू s बाई v, तो लिखा है मैं इसको। अभी अगर 3 आवर्स मोर टाइम लेगा, जब क्या हो रहा है स्पीड ऑफ द ट्रेन बोला 8 आवर्स लेस, मतलब x माइनस 8, तो वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट है, टाइम जितना था एक्चुअल जितना था उससे क्या है 3 आवर्स मोड़ लेगा। तो हम लोग जानते हैं कि तो v इज इक्वल टू s बाई टी होगा, तो s इज इक्वल टू v इंटू टी, s मतलब क्या है टोटल डिस्टेंस, v मतलब कितना हो गया स्पीड कितना है x माइनस 8, और टाइम कितना लिया है 480 बाई x प्लस 3, टाइम 3 आवर्स मोर था, इसे थोड़ा अलग ढंग से किया है, इसका ढंग तो कुछ और था मैं जो समझाया था। इसमें क्या बोला है अच्छा से समझो ये पार्ट को, लॉजिक इसमें क्या बोला है कि टाइम 480 किलोमीटर 480 बाई एक्स कितना टाइम है, अब बोल रहा है ट्रेन विल टेक 3 आवर्स मोर, तो जितना तुम्हारा एक्चुअल टाइम है उससे ट्रेन टाइम कितना होगा 3 आवर्स मोर होगा। तो टाइम अगर ज्यादा लेगा तो जितना टाइम पहले लगा था 480 बाई x अभी क्या हो गया 3 घंटे ज्यादा लग गया, तो 480 बाई x प्लस 3, तो हम लोग जानते हैं v इज इक्वल टू s बाई टी, तो s इज इक्वल टू क्या होता है v इंटू टी, v कितना स्पीड है x माइनस 8 लिखा है, v मतलब t कितना हो गया मैं ऑलरेडी निकाल चुका है, क्योंकि 8 घंटा लेस 8 घंटा 8 किलोमीटर पर आवर लेस था ना, तो दिस इनटू टाइम ये होगी, कितना डिस्टेंस कवर करना है एस डिस्टेंस कवर करना है दैट इज 480। बोलो ये इक्वेशन समझ में आया या नहीं? यस सर। क्योंकि हम लोग जानते हैं ना कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो वही लिखा है स्पीड कम थी है 8 मिनट 8 घंटा 8 किलोमीटर पर घंटा, और टाइम कितना हो गया 480 बाई एक्स प्लस 3। अब सिंपल कॉन्सेप्ट है x इंटू 480 बाई 6, x का साथ 480 बाई 6 अगर इंटू करोगे तो फिर x और x कैंसल्ड हो जाता है, फर्स्ट क्या करेगा मैं इसका साथ इसका इंटू करूंगा और इसका साथ मैं इसका इंटू करूंगा, तो x और 418 बाई x अगर इंटू करोगे क्या बनता है, फोर एट्टी हो गया, फिर देखो x का साथ 3 इंटू करो क्या बनता है 3x, क्लियर? फिर क्या होता है देखो ये माइनस 8 का साथ 480 बाई एक्स इंटू कर रहा है, क्या बन रहा है 8 इंटू 480 3840 हो गया, माइनस 8 प्लस 3 क्या होता है माइनस 24 हो गया, इज दैट क्लियर और नॉट? कोई डाउट है किसी का प्लीज टेल मी सर।
अब देखो ये 480 या 480 कैंसिल आउट हो गया, 3x है, 8 इंटू 480 मतलब 3840 माइनस 24, so that means 3x minus 3840 by x minus 24 इधर से शिफ्ट कराओ, minus 24 को तुम्हारा शिफ्ट कराओगे तो it will be what? प्लस 24 हो जाता है। सो अगर ऐसा हो गया सो दैट मीन्स क्या दिखाई देगा, ये दिखाई देगा। अब मानो मल्टीप्लाइंग बाई एक्स ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड से मल्टीप्लाई करो एक्स से, इससे एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो थ्री एक्स स्क्वायर बनता है, इसके साथ एक्स मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स एक्स कैंसिल, 3840 हो गया, इसके साथ एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो 24x हो गया। समझ में आ रहा है मेरा बात? समझ में नहीं आ रहा किसी का? संकेत, एनी डाउट? नो सर। सो इसमें क्या होता है, 3x का माइनस 3840 इज इक्वल टू 24x हो गया। नाउ व्हाट टू डू, 24x शिफ्ट कराओ तो माइनस 24x माइनस 3840 इज इक्वल टू जीरो। अभी अभी करना क्या है, अभी क्या करेगा, ये जो इक्वेशन है उसको मैं लिखेगा कि डिवाइडिंग बाई थ्री ऑन बोथ साइड्स, तो थ्री एक्स स्क्वायर से अगर थ्री डिवाइड करोगे तो क्या बनता है, एक्स स्क्वायर बनता है, 24x से अगर थ्री डिवाइड करोगे तो क्या बनता है, 8 बनता है, और 3840 से 3 से डिवाइड करोगे तो क्या बनता है, 1280 बनता है। बोलो समझ में आया या नहीं? यस सर। यस सर। अभी तुम्हें सिर्फ इक्वेशन फॉर्म करने बोला था, अगर बोलेगा फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन तो आराम से तुम इधर से निकाल पाओगे, पॉलीनोमियल के मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हो, और मैं सिखाऊंगा आज और भी दो तीन मेथड मैं तुम लोग सिखा दूंगा जिससे तुम कर सकते हैं। क्लियर सबका ये लॉजिक? यस सर। तो इसमें फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन मैं सिखा दिया, अभी तुम इसमें एक्स को ये भी कर सकते हैं कि एक्स को वैल्यू निकाल सकते हैं ना। अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द, मैं पहले भी बताया था अभी भी बता रहा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, इसमें डिग्री जीरो होता है, तो दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कितना है, 2 है। तो हम लोग कहते थे पॉलिनोमियल में जब कहते थे कि एक्स का सोल्यूशन को हम लोग क्या कहते थे,
एक्स का जो सोल्यूशन होता था उसको हम लोग क्या कहते था? रूट्स ऑफ द पॉलीनोमियल। हाँ बोलो, क्या वर्ड? थोड़ा जोर से बोलो। जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल, राइट। सेम ही चीज इसमें क्या बोलेगा बोलो तो? रूट्स ऑफ द पॉलीनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लोग उसमें जानता था कि कोई भी पॉलीनोमियल डिग्री जितना है उसका उतना जीरोस है, और इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका डिग्री कितना है? टू। तो टू है मतलब क्या होगा? टू इक्वा टू रूट्स होगा। थोड़ा करेक्शन है इसमें, इसको करेक्ट कर लेना। इक्वल रूट्स नहीं है, इट शुड बी रूट्स ओनली, राइट। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज इट्स का हम लोग क्लास में पॉलीनोमियल का क्लास में सीखा था, अगर डिग्री टू होगा तो उसका जीरोस होगा टू, डिग्री थ्री होगा जीरोस होगा थ्री, मतलब एक्स का सोल्यूशन कहते हैं ना। तो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसमें तो डिग्री ऑलरेडी टू है ही, सो रूट्स कितना होगा इसमें? हम लोग रूट्स कहेगा, सेम ही नाम है, जैसे तुम्हारा निकनेम भी है फिर तुम्हारा गुड नेम भी है, तो इसमें जो एक्स का अल्टीमेटली उसको एक्स का सोल्यूशन ही तो कहते हैं, तो उसमें हम लोग इसमें क्या है क्या रूट्स पॉलीनोमियल में कहता था जीरोस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिग्री टू का भाई से इसमें कितना रूट्स रहते हैं? टू रूट्स रहते हैं, टू रूट्स रहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब लोग अभी हम लोग जो करेगा किस ढंग का रूट्स होगा उसको मुझे पढ़ना पड़ेगा, किस ढंग का रूट्स होगा वो मुझे पढ़ना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू रूट्स, वी नो इट, बट व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द रूट्स उसको जानना पड़ेगा। देखो फर्स्ट डिस्क्रिमिनेंट, ये फंडा को अच्छा से समझो। डिस्क्रिमिनेंट जिसका हम लोग कहते हैं डी, एंड डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। डी इज इक्वल टू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, राइट। बी स्क्वायर मतलब क्या होगा? डिस वैल्यू, इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा, उसका साथ माइनस क्या करना पड़ेगा? ए इंटू सी इंटू फोर, ए इंटू सी इंटू फोर, ये दोनों का माइनस करेगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, एंड दैट इज नोन एज द डिस्क्रिमिनेंट। इज दैट क्लियर टू यू? डी का वैल्यू समझ गए? सर डिस्क्रिमिनेंट क्या है? डिस्क्रिमिनेंट मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। मान लो ऐसा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम्हें दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, ये दिया गया है। अब मुझे बताओ ये क्या है? a है ना, ये क्या है? b है ना, और ये क्या है? c है ना। तो व्हाट विल बी द d, व्हाट इज द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस पॉलीनोमियल्स? दैट इज d, एंड दैट इज इक्वल टू सॉरी दैट इज इक्वल टू b स्क्वायर। b का वैल्यू कितना है? माइनस थ्री होल स्क्वायर माइनस फोर। ए मतलब क्या है? ए मतलब हो गया टू, एंड सी सी कितना होगा?
7, तो ये वैल्यू कैलकुलेट करने से क्या हो जाएगा, माइनस 3 स्क्वायर मतलब कितना होगा 9, माइनस 4 टू 8 इंटू 7 मतलब कितना हो गया 56 हो गया। दैट मीन्स क्या होता है, माइनस 47 होता है। क्लियर है डिस्क्रिमिनेंट? तो ये डी देख के पता चल जाता है इसका सोल्यूशन है, एक्स का जो सोल्यूशन है किस ढंग का सोल्यूशन आएगा, डी देख के पता चल जाता है। तो चलो देखते हैं, ये पर नोट कर लिया तुम लोग, कोई कर रहा है नोट? अदरवाइज मैं नोट लॉक कर दूंगा। सब कुछ जो जो बोल रहा है उसको नोट करने के लिए कोशिश करो। नोट कर लिया सब? कोई नोट कर रहा है क्या अभी भी? सर हो गया, हो गया सर, हो गया सर। ओके, तो देखो अभी हम लोग देखेगा डिस्क्रिमिनेंट का क्वालिटी, देख के हम लोग पता चलेगा कि किस ढंग का रूट हम लोग मिलने वाला है। अगर डी ग्रेटर देन जीरो होगा दैट मीन्स वी कुड से इट हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, दैट मीन्स वी कैन से इट हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है, डिफरेंट। डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है, डिफरेंट रियल रूट्स होता है। अगर डी का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगा तो अगर इक्वल टू जीरो होगा इन दैट केस वी कैन से इट हैज टू इक्वल रियल रूट्स। मतलब x का दो सॉल्यूशन जो है, d अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो x का दो तो डिफरेंट सॉल्यूशन होगा, डिफरेंट वैल्यूज आएगा। अगर d इज इक्वल टू 0 है तो x का दोनों इक्वल रियल रूट्स आएगा, मतलब रियल वैल्यूज रियल नंबर्स आएगा, x का दो तो रियल नंबर्स का वैल्यू आएगा। राइट right? और d लेस देन 0 होगा तो अगर d लेस देन 0 होगा दैट मीन्स इट हैज नो रियल रूट्स। वी कुड से व्हाट, इट हैज नो रियल रूट्स। ये पार्ट है। समझ गया कॉन्सेप्ट? नो रियल रूट्स मतलब इसका जो सॉल्यूशन होगा x का और रियल नंबर्स नहीं है, कुछ और नंबर है। तो बोलेगा क्या है वो नंबर, वो तुम लोग का सिलेबस में नहीं है, क्लास 11 में आओ सिखाऊंगा मैं। ठीक है, जस्ट तुम लोग इतना ही जान के रहो इसमें क्या है, नो रियल रूट्स है। फर्स्ट वाला वैल्यू क्या है, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। इसमें क्या है, टू इक्वल रियल रूट्स। सो अभी सोल्यूशन कैसे करेगा, मैं सोल्यूशन में करेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में करने जा रहे हैं। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू है। अगर तुम्हारा इक्वेशन हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये फॉर्मूला से तुम एक्स का दो वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से। राइट, एनी डाउट? बोलो बोलो। एक्स एक्स का दो वैल्यू,
हाँ दो वैल्यू आएगा ना अगर डी ग्रेटर देन जीरो होगा, अगर डी लेस देन जीरो होगा तब कहते नो रियल रूट्स, कोई वैल्यू आएगा ही नहीं, रियल वैल्यू नहीं है, रियल नंबर नहीं आएगा, कुछ और नंबर है जो हम लोग का सिलेबस में नहीं 11 में है, और डी इज इक्वल टू का जीरो होगा तब क्या होगा, दैट मीन्स इक्वल वैल्यू जाएगा। देखो सिंपल बात है, बहुत सिंपल बात है, अगर डी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो ये पार्ट वैनिश, है कि नहीं, ये पार्ट तो वैनिश हो गया ना, तो अल्टीमेटली वैल्यू कितना आएगा तुम्हारा माइनस बी बाई टू है, ये वैल्यू आएगा ना, तो ये डबल लिखने से ही हो गया, इसीलिए कह रहा है कि टू इक्वल रियल रूट्स, अगर ग्रेटर देन जीरो होगा दैट मीन्स क्या होगा, अगर ग्रेटर देन जीरो होगा मतलब इसमें कुछ वैल्यू आएगा, तो मतलब एक बार माइनस बी का साथ इसका प्लस होगा और एक बार माइनस बी का साथ माइनस होगा, दैट मीन्स यू विल गेट टू वैल्यूज, एक बार माइनस बी का साथ डी को स्क्वायर रूट ऑफ डी को तुम प्लस करोगे एक वैल्यू आएगा, एक बार माइनस करोगे एक वैल्यू आएगा। राइट यस सर, ऐसे माइनस और प्लस दोनों करना है ना, हाँ दो ऑपरेशन करना है ना, यू हैव टू वैल्यूज माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ डी बाई टू है, अनदर एक वैल्यूज है माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी बाई टू है, क्योंकि रियल रूट्स है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो टो जीरोस आएगा, दो टो रूट्स है ना तुम्हें किसी काल में दो वैल्यू लिखना ही पड़ेगा, डी अगर जीरो भी हो जाएगा दैट मींस एक्स का दो वैल्यूज, ये माइनस बी बाई टू है तुमको ट्वाइस लिखना पड़ेगा, माइनस बी बाई टू है कॉमा माइनस बी बाई टू है, राइट यस सर। Now we have to go for the find the roots of the quadratic equation. Find the roots of the quadratic equation. Example 5. बोला इसके roots निकालो. Very simple. मैं ये square root ये हम choose करने का वजह वही है कि square root होने से भी you could do the middle term splitting उसको दिखाने के लिए. क्योंकि हम लोगों का क्या होता है mind में square root देखने के लिए डर आ जाता है, अरे बाप रे ये क्या हो गया. बट ये डर नहीं है, एंड मैं ये कहता है यू नो इट, जब तुम कंसंट्रेट करोगे हाईएस्ट लेवल में पहुंच जाओगे, कोई कुछ सीख रहा है और उसका ऊपर कंसंट्रेशन का हाईएस्ट लेवल में पहुंच जाओगे, वो सुखना सीखना मजा हो जाता है, और मैं ये कहता है सबको व्हेन यू कंसंट्रेट एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ योर लर्न टर्न इनटू द फन, जो तुम्हें बहुत परेशान करते हैं उसका बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन करो तो वो परेशानी और नहीं रहेगा। जैसे हमारा स्क्वायर रूट, हम लोग मन में एक डर रह सकता है, इंडियन स्टूडेंट्स को मेरा एक्सपीरियंस है देखा है कि स्क्वायर रूट देखने से डर जाता है, बट वो डरने का है ही नहीं कुछ, हाई स्टेबल कंसंट्रेशन में पहुंच जाओ मजा आ जाएगा, वो जब तुम तो मजा नहीं मिल रहा मतलब तुम हाई स्टेबल में पहुंचा नहीं है। 2√6 बनाना है मुझे, not only 2√6 we have to go for the minus 2√6, kaise karega dekho, middle term splitting karne ke liye kya karna padta hai, x square ka coefficient and constant ye dono ka multiply karna padta hai, right, banta kya hai 6, abhi isko split karke tumhe minus 2√6 banana hai, वो कैसे, चलो देखते हैं। ये होता है कि रूट सिक्स सिक्स अगर तुम प्लान करोगे स्प्लिट करोगे इसमें तुम्हें रूट टू रूट सिक्स तो लाना है, यू कैन डू कि सिक्स को स्प्लिट करने से हम लोग जानते हैं कि रूट सिक्स इंटू रूट सिक्स
रूट सिक्स इंटू रूट सिक्स बनता क्या है, गिव्स यू सिक्स, रूट सिक्स इंटू रूट सिक्स इट कैन गिव यू सिक्स होता है। तो उसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं ना, टू रूट सिक्स को माइनस रूट, माइनस रूट सिक्स अगेन माइनस रूट सिक्स, क्लियर है। इसे बीच में अगर मैं एक लाइन घुसा दूंगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस रूट सिक्स प्लस रूट सिक्स, एक्स प्लस टू एंड इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स क्या होता है, थ्री एक्स का माइनस रूट सिक्स इंटू एक्स ये आ गया। अगेन माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस आ गया। हम बोला था ब्रैकेट का पहले अगर माइनस साइड में आएगा अंदर का साइड विल बी चेंज्ड, तो बन गया माइनस, माइनस रूट सिक्स एक्स प्लस टू हो गया। क्लियर है लॉजिक, इतना तक सबका क्लियर है, हैज एनी इशू? यस सर। तो अगर ये होगा तो देखो अभी थ्री, थ्री को तुम स्प्लिट करके लिख सकते हैं ना रूट थ्री इंटू रूट थ्री, लिख सकते हैं कि नहीं, दैट इज नोन एज थ्री। और रूट सिक्स मतलब क्या होता है, रूट थ्री इंटू रूट टू, लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखो दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, इसमें भी रूट थ्री है इसमें भी रूट थ्री है, तो निकालो बाहर, राइट फिर क्या होता है, इसमें एक्स स्क्वायर है इसमें एक्स है, तो दोनों से हम एक्स कॉमन ले सकते हैं। अंदर में बन क्या गया, तो क्या पड़ा हुआ है देखो, ये रूट थ्री जो जो इधर पड़ा हुआ है और ये रूट टू जो है वो इधर पड़ा हुआ है, समझ में आया या नहीं? एनीथिंग टू बी आस्क्ड? समझ में आया? यस सर। देखो रे ऐसा तो नहीं हो रहा कि समझ में नहीं आ रहा, साइलेंटली बैठा हुआ है। देखो मैं एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं तुम लोगों के साथ कि मैं एज ए पेरेंट सोच के माने सज के माने जस्ट लाइक आई एम माय पेरेंट माने आई एम द फादर ऑफ माय चाइल्ड, तो मैं इटानगर का ये इंस्टीट्यूशन में गया था कि पूछने के लिए कैसे पढ़ाता है क्या पढ़ाता है, जानने के लिए, फॉर क्यूरियोसिटी, कि मुझे देखना पड़ेगा क्या डिफरेंट थिंग है जो वो लोग दे पा रहा है। तो मैं पूछा था कि अगर कितना कब से क्लास शुरू हो रहा है, खत्म कब तक हो जाएगा सिलेबस, ये सब पूछ रहा था। तो मैं बोला अगर कंप्लीशन ऑफ द सिलेबस अगर मेरा कुछ डाउट होगा तो मैं पूछ सकता है सर को, क्लास मिलेगा अलग से। तो मुझे जो रिसेप्शनिस्ट था इंस्टीट्यूशन का, मुझे ये बताया कि नहीं हमारा टीचर लोग जो इतना ऐसे ही पढ़ाता है कि कोई डाउट रहता ही नहीं, राय नहीं ले सकता है। तो मैं सुन के थोड़ा अजीब लग गया कि हम ऐसा होता है क्या। तो तुम लोग ऐसा तो बात नहीं कि हम ऐसा ही पढ़ रहे हैं, तुम लोग कोई डाउट नहीं हो सकता है, इट इज इम्पॉसिबल। डाउट होगा तो डेफिनेटली मुझे पूछ लेना क्लास में, इफ नॉट पॉसिबल बाद में डाउट हो सकता है। तुम अभी लग रहा है तुम्हारा समझ में आ गया, बाद में डाउट हो रहा है तो डिस्टर्ब करो मुझे, आई विल बी वेरी ग्लैड। व्हाट्सएप है,
फोन है, कम्युनिकेट करो। अगर कोई व्हाट्सएप में भेजा है, रिप्लाई नहीं मिला है, 24 आवर्स वेट करके फिर क्वेश्चन मार्क डाल दो। हर दिन मैं ये वर्ड बोलता है तुम लोगों, ऐसा पॉसिबल नहीं था, जीरो जीरो डाउट, इम्पॉसिबल। पूरा सेशन पढ़ के चला गया, कोई भी डाउट नहीं हुआ है, इट इज इम्पॉसिबल। अगर किसी का कोई भी डाउट हो रहा है तो आस्क मी। ठीक है, जितना डाउट है, तकलीफ हो रहा है, पूछो मुझे, आई डिस्कस। बट मुझे अगर पता चल गया कि मुझे जस्ट खुश करने के लिए तुम लोग डाउट पूछ रहे, ऐसा नहीं करना है। फर्स्ट कंसेंट्रेट करो, डू योर हाईएस्ट लेवल। समझ में नहीं आ रहा है तब हमको जाके पूछो। किसी किसी का ऐसा टेंडेंसी भी होता है कि सर को खुश करना, हमको दिखाना है कि हम पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। मुझे दिखाने का कोई जरूरत नहीं है, तुम पढ़ो या मत पढ़ो, मेरा कुछ लेना देना नहीं है। तो मैं तुमको ये बताना चाहते हैं, सो मेहनत तुम्हें करना है, रिजल्ट तुम्हारा निकलेगा, मेरा कुछ भी नहीं निकलेगा। सो चलो, इसमें क्या होता है, रूट सिक्स है, रूट सिक्स को स्प्लिट अप करने से क्या निकलेगा, वी नो इट ऑलरेडी, रूट थ्री और रूट टू निकलेगा। और टू का जो निकलेगा वो क्या होगा, रूट थ्री, रूट टू इंटू रूट टू, ये हो जाता है। ये रूट टू और रूट टू कॉमन ले लिया। तो अंदर में क्या पड़ा हुआ है, देखो रूट थ्री एंड रूट टू पड़ा हुआ है, ठीक है, और एक तो था ही उधर, तो अंदर में ये पड़ा हुआ है। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सही हुआ है, तुम कैसे पता चलेगा, ये लोकेशन का वैल्यू और ये लोकेशन का वैल्यू सेम होना चाहिए, तभी पता चलेगा हाँ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सही हुआ है। तो देखो रूट थ्री एक्स माइनस रूट टू, इसमें रूट थ्री एक्स माइनस रूट टू दोनों का कॉमन ले लो, तो क्या पड़ा रहेगा, देखो इसमें मैं एक गलती करके बैठा हुआ है, डू करेक्ट, रूट थ्री एक्स माइनस रूट टू, इसको अगर तुम उठा लोगे क्या पड़ा रहेगा, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, रूट थ्री एक्स माइनस रूट टू पड़ा रहेगा ना, तो वही है ये। ये हो गया, सो एक्स इक्वल टू क्या होगा, रूट टू बाई थ्री कमा रूट टू बाई थ्री। बताओ समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. प्रोसीड करते हैं। ये वाला सम्स देखो, मैं फिर हाजिर कर दिया रूट वाला, स्क्वायर रूट वाला, क्यों, क्योंकि वजह वही है कि रूट टू देखने से बच्चा लोग भाग जाता है रूट देखने से। देखो क्या होता है इसमें, जब भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेगा क्या करना पड़ता है मुझे, क्या करना पड़ता है मुझे, देखो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है और कांस्टेंट का जो वैल्यू है, ये दोनों लेगा, लेके क्या करूंगा मैं, इंटीग्रेट इनटू करूंगा, रूट टू इंटू रूट टू क्या होता है, टू होता है, तो फाइव इंटू टू मतलब क्या हो जाता है, टेन हो जाता है। तो अगर ये हो जाएगा ना, दैट मीन्स क्या होता है, देखो 10 को तुम अगर स्प्लिट करोगे, 10 को स्प्लिट करने से देखो 5 आता है और क्या आता है, 2 आता है,
दैट मीन्स क्या होता है, सेवन को स्प्लिट करो इट गिव्स यू फाइव एंड टू, ऐसे करके लिखो। फिर देखो ये दोनों में कॉमन क्या आता है, एक साथ आए ना कॉमन, अगर कॉमन ले लेगा तो रूट टू एक्स प्लस फाइव, ये दोनों में क्या हो जाएगा टू मतलब रूट टू इंटू रूट टू और इसमें फाइव इंटू रूट टू, देखो रूट टू कॉमन ले लो तो क्या बनता है रूट टू एक्स प्लस फाइव। राइट, अभी देखो एक रूट टू एक्स प्लस फाइव जो है उसको अगर तुम कॉमन ले लिया तो दैट मीन्स क्या पढ़ रहे थे, अगेन आई एम टेलिंग हाउ टू अंडरस्टैंड, तुम क्या किसी करके तुम पता चलेगा कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जो तुम किया है वो करेक्ट है कि नहीं, कि ये दोनों पार्ट्स इक्वल होना पड़ेगा, जब इक्वल होगा तभी ना तुम कॉमन ले पाएगा, तो मैं कॉमन ले लिया दोनों से तो क्या पढ़ रहेगा, सिंपल बात है एक्स प्लस रूट टू पढ़ा हुआ है। तो इसमें तुम देखो x का वैल्यू क्या हो गया माइनस रूट टू कॉमा माइनस फाइव बाई रूट टू, समझ में आया कि नहीं बताओ। yes, sir. ये हम लोग वैल्यू जो निकाल रहा है ये बेसिकली मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से निकाल रहा है। मैं तुम लोग का क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का फॉर्मूला तो दिखाया लेकिन सॉल्व करके दिखाया नहीं, दिखाऊंगा मैं। तकलीफ हो रहा है कुछ किसी का? नो सर। अभी देखो 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 में जाओ। ये सम्स करने का वजह क्या है, क्यों मैं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे चाहिए इक्वेशन फॉर्मेशन भी सीखना है तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 4 आई थिंक सो, नहीं ये क्वेश्चन नंबर 3 है, डू करेक्ट। ये सब करेक्शन कर लेना। हाँ ये क्वेश्चन नंबर ये क्या, हाँ वही तो देख रहा है सर, क्वेश्चन नंबर 4 है। ओ नहीं नहीं ठीक ही देखिए, हम गलती से देख रहा था, 4 ही है ये। तो क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ के देखो क्या बोल रहा है, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365, इसका स्क्वायर कितना है 365, दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, तो मैं एक को x और एक को x प्लस 1 ले सकता है। कंसेक्यूटिव मतलब क्या होता है, 5 का बाद 6 ऐसा करते हैं, 6 का बाद 7, 15 का बाद 16 कंसेक्यूटिव। सो एक को मैं x पकड़ लिया, दोनों को x प्लस 1 पकड़ लिया सेकंड वन को, अभी दोनों का स्क्वायर क्या बोला है, स्क्वायर का सम क्या बोला है 365, x प्लस 1 होल स्क्वायर जो है उसको मैं जब एक्सपेंड करूंगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो देखिए x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर क्या बनता है 2x स्क्वायर बनता है, ये 2x लिखा है मैं और ये 1 लिखा है हम। अब देखो हम क्या होता है कि 365 जो है इसको अगर तुम इधर से शिफ्ट करोगे ना क्या बनेगा, माइनस 365 बनेगा, तो प्लस 1 माइनस 365 कितना बनता है माइनस 364 बनता है। अभी तुम क्या करोगे 2 से कॉमन लो, ये 2 से कॉमन लो, इसमें 2 अगर कॉमन लोगे तो क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182, तीनों का अंदर से 2 उठा लो, तो ये 2 को क्या करोगे इधर भेज दो, 0/2 क्या बन जाता है, देखो इसमें और एक गलती किया है दैट शुड बी इज इक्वल टू 0, डू करेक्ट।
राइट। अभी इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो, 182 का मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने से मैं और नहीं दिखा रहा है, तुम लोग काफी इंटेलिजेंट है और क्लास 9 में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग काफी करके आया, इसको कर लेगा होगा, नहीं सकने से मुझे डेफिनेटली बताओ। x माइनस 13 इंटू x प्लस 14 इजिकल टू 0 हो गया, राइट। सो ये अगर हो गया तो x माइनस 13 और x प्लस 14 अगर हो गया, व्हाट विल बी द वैल्यू? x इजिकल टू क्या बनेगा, मतलब 13 बनेगा और x इजिकल टू माइनस 14 होगा। तो माइनस 14 हम लोग इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि क्योंकि मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा है, मुझे क्वेश्चन में पूछा है कि पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, इसे तो माइनस 14 आ गया, तो इंटीज लिख के बैठा हुआ है, ये इंटीजर होगा है, हाँ। तो दैट मींस फर्स्ट नंबर अगर 13 होगा तो सेकंड नंबर क्या होगा, 13 प्लस 1 दैट मींस 14, समझ में आया? यस सर। किसी का कुछ पूछना है तो इस हमसे पूछना नहीं तो नो सर, प्रोसीड करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5, ऑल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल 7 सेंटीमीटर लेस इन देन इट्स बेस, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, बहुत ही इजी सम्स है। ये हाइट है और ये हो गया बेस, तो बोल रहा है बेस अगर एक्स होगा, ऑल्टीट्यूड क्या होगा, 7 सेंटीमीटर, एक्स माइनस 7। मैं तो इसको उल्टा करके भी लिख सकता था, मालूम नहीं मैं साम्स में क्या किया है, तो मैं बोल रहा है कि इसको उल्टा करके भी लिख सकता था। मान लो इसका ऑल्टीट्यूड है वाई, तो बेस क्या होगा, ज्यादा होगा ना, वाई प्लस 7 होगा ना, उल्टा भी तो लिख सकता है, बात तो बराबर ही है। समझ में आ रहा है? यस सर। सो अभी इसका हाइपोटेन्यूज बोला है 13, तो पाइथागोरस लगा दो, बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। चलो देखते हैं सामने क्या किया है हम। देखो इसको एक्स पकड़ा है, ऊपर वाला को एक्स माइनस 7 पकड़ा है, तो और क्या बोला है कि देखो ये एक्स है, एक्स माइनस 7 और ये 13। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, कर लिया। 13 स्क्वायर मतलब क्या होता है, 169। एक्स स्क्वायर ये हो गया, एक्स माइनस 7 होल स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2.7.x प्लस 7 स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो गया, 2x स्क्वायर माइनस 2.7 क्या हो जाता है, 14 होता है, और 7 स्क्वायर मतलब क्या होता है, 49 हो जाता है। अब क्या होता है, देखो ये जो 169 है इधर शिफ्ट करा लो, बन क्या जाता है, माइनस 169 हो जाता है। राइट, तो अगर ये हो गया तो दैट मींस माइनस 120 हो गया, प्लस 49 माइनस 169 हो गया ये पार्ट। तो देखो ये जो आया इसका तुम अगर दो
काम कर सकता है, आइदर टू कॉमन लेके फिर उधर हटा दो, नहीं तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय टू कर सकता है। तो चलो टू कॉमन लिया है, टू इधर से टू उठा लिया तो एक्स स्क्वायर, इधर से टू उठाएगा तो सेवन पड़ा होता है, 120 से टू कॉमन लेते हैं तो 60 पड़ा होता है, टू अगर इधर से इधर चला जाएगा तो जीरो बाई टू मतलब जीरो हो गया। तो देखो ये जो है इसको मिड टर्म स्टडी हम कैलकुलेट करके नहीं दिखाया, x माइनस 12 प्लस x प्लस 5 आया, तो डेफिनेटली लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, ये कभी पॉसिबल नहीं है नेगेटिव होना, इसीलिए प्लस 5 लिया है। तो एक साइड अगर तुम्हारा 12 होगा, सेकंड साइड क्या होगा, सिंपल बात है 5 होगा, मतलब बेस अगर 12 होगा तो ऑल्टीट्यूड क्या होगा, 7 कम है बोला है ना, तो इसीलिए x माइनस 7 लिखा है, that is 12 minus 7 that is equal to 5। समझ में आ रहा है मेरा बात सर? हाँ बोलो। और अगर यहाँ पे दोनों अगर पॉजिटिव आने से x का वैल्यू दोनों ही लेगा, दोनों दिखाना पड़ेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नो सर। ये एक्सरसाइज का मोस्ट इंपोर्टेंट सम इज दिस क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों का बहुत डाउट होता है क्वेश्चन नंबर 6 ये होता है कि कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे, एक दिन में कुछ सर्टेन नंबर्स ऑफ आर्टिकल्स ऑफ प्रोडक्शन करते हैं। सो बोला है तो मैं मान लेते सर्टेन नंबर आर्टिकल्स जो है उसको मान लेते दैट इज एक्स, एक्स नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस करते हैं। इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन of each article is the 3 more than twice the number of articles produced on that day. मतलब क्या हो गया? Cost of each articles कितना है? 3 more मतलब plus 3 than the twice of the articles produced each day. That is 2x. ये हो जाएगा each articles का कॉस्ट, राइट? अब मान लो एक आर्टिकल का दाम अगर 10 रुपया है, दो आर्टिकल का दाम कितना होगा? 20। तीन आर्टिकल का दाम कितना होगा? 30। मतलब 3 × 2 × 3 × 4 × करते जा रहा है, एक आर्टिकल का दाम कितना होगा? 10 होगा, 10 होगा। एक का दाम है 10, तो x नंबर ऑफ आर्टिकल्स का कितना होगा? 10x होगा, सिंपल बात है। हम लोग एक आर्टिकल के लिए 10 कर रहे हैं, दो आर्टिकल कितना होगा? 10 × 2। तीन आर्टिकल क्या होगा? 10 × 3। फोर आर्टिकल क्या होगा? 10 × 4 एंड सो ऑन। x नंबर आर्टिकल क्या होगा? 10 × x। तो देखो इसमें इसमें बोला है कि एक आर्टिकल का दाम कितना बोला है? 2x प्लस 3 रुपीज। तो x नंबर आर्टिकल का दाम कितना होगा? इनटू दिस, है कि नहीं? नहीं समझने से बताओ मुझे, डू नॉट हेजिटेट टू आस्क। क्लियर है? मैं जो बोल रहा था एक आर्टिकल का दाम इतना है, एक्स कितना होगा? इनटू एक्स होगा। बोलो कुछ नहीं है। तब बोला है टोटल प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना बोला? 90 है। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या बोला है? 90 है। तो टोटल कॉस्ट कितना होगा? नंबर ऑफ आर्टिकल्स इनटू कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स।
इनटू करने से टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हो गया 90 रुपीस। लॉजिक इज क्लियर? यस सर। सो अभी देखो मैं वही किया, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टोटल इनटू टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या 90 है। टोटल आर्टिकल प्रोड्यूस कितना है, हम एक्स पकड़ लिया, और कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल्स कितना होगा 2x plus 3, क्योंकि बोला है 3 मोर देन द ट्वाइस ऑफ x, तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स कितना हो गया देखो 2x plus 3 हो गया। तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ आर्टिकल इनटू कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स, x into 2x plus 3, तो x को मल्टीप्लाई करो 2x का plus 3x, लिख दिया मैं इज इक्वल टू 90, 90 को शिफ्ट करके लेके आओ, तो इसको जब तुम एलसीएम करोगे, ये जब तुम ये करोगे मिड टर्म स्प्लिटिंग करोगे, इट गिव्स यू व्हाट वैल्यू 2x plus 15 और into x minus 6। तो देखो नंबर ऑफ आर्टिकल्स का फ्रैक्शन होना पॉसिबल नहीं है, एज वेल एज नेगेटिव होना पॉसिबल नहीं है। तुम लोग इधर कितना बैठा हुआ है, 5.5 बच्चा बैठा हुआ है, तो पॉसिबल नहीं है फ्रैक्शन, पॉसिबल नहीं है। या फिर माइनस 3 बच्चा बैठा हुआ है, पॉसिबल नहीं है। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स सिमिलरली नंबर ऑफ आर्टिकल्स तुमको हाफ पॉसिबल नहीं है। तो दैट्स व्हाई आई हैव इग्नोर्ड नेगेटिव वैल्यूज एज वेल एज फ्रैक्शनल वैल्यू। तो x इज इक्वल टू 6 हो गया नंबर ऑफ आर्टिकल्स, तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स क्या होगा, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, 2 इंटू 6 प्लस 3, 2x प्लस 3 जो है 6 इंटू 2 प्लस 3 दैट इज 15। समझ में आया? हैव एनी डाउट प्लीज आस्क। ठीक है लॉजिक, तो मैं प्रोसीड कर रहा हूं। यस सर। तो देखो मैं अभी तुम लोगों को मिड टर्म स्प्लिटिंग यूज करके बहुत सारे सम्स कर दिया, अभी हम लोगों को जाना है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है, वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। समझो लॉजिक को, इसको ये जो मेथड मैं दिखाया मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर बहुत हजारों टाइप को दिखाता है, अलग अलग एग्जाम्पल पे अलग अलग मेथड में दिखाता है और बोलता है उसको मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो मैं क्या किया है, मैं एक मेथड तुम लोग को दिखा रहा है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है। मैं तुम लोग को ये बताऊंगा कि देखो आई थिंक तुम लोग कोई भी लॉजिक पे कर सकता है, कोई भी वे पे कर सकते हो मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, बट आई थिंक मैं एक स्टैंडर्डाइजेशन किया है, इसको तुम फॉलो कर सकते हो। आई एम नॉट सेइंग कि हाँ इसको ही करना पड़ेगा, बट ये करने से जनरली कोई भी इक्वेशन देगा तुम इसमें कर लोगे। तो चलो देखते हैं कैसे सॉल्यूशन करते हैं मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर को। वेरी सिंपल है, फर्स्ट ये इक्वेशन दिया है, बोला सॉल्व इट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो मैं क्या करने जा रहा है, देखो इसमें फर्स्ट एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट होता है उससे डिवाइड करना पड़ता है दो साइड को। क्या कर रहा है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट कितना है इसमें, कितना है एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट 5। तो 5 से मैं इसे डिवाइड करने जा रहा है, तो डिवाइड कर दिया, तो 5x² y 5 क्या होता है, एक्स स्क्वायर हो गया। इसमें 6x / 5 मतलब 6/5 इंटू एक्स माइनस 2/5 आ गया इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप ये हो गया फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप मैं क्या कर रहा हूं, एक 2 लेगा और डॉट 1/2 लेगा, एक 2 लेगा और एक डॉट 1/2 लेगा। दैट मींस ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाने से पैरेलल लाइन में ही आ जाता है, तो इसलिए मैं कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया,
टू और हाफ को ऐसा करके लिया, क्योंकि मुझे एक टारगेट होता है, मेरा टारगेट ये होता है मुझे बनाना क्या है, मुझे जो बनाना पड़ेगा कि ये वाला एक फॉर्मेट, मुझे बनाना पड़ेगा ऐसा कुछ फॉर्मेट x प्लस माइनस a होल स्क्वायर इज इक्वल टू p बाई क्यू होल स्क्वायर, ये फॉर्मेट बनाना है मुझे। तो मेरा टारगेट वही है, तो मैं देखो x का तो है, तो x प्लस माइनस a होल स्क्वायर तुम जो भी करो अल्टीमेटली फॉर्मूला क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस टू एक्स ए प्लस ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला में जाना है मुझे। अगर माइनस होगा तो इसमें माइनस बैठेगा, प्लस होगा तो प्लस बैठेगा। तो देखिए इसमें जो सिक्स है, सिक्स बाई टू, सिक्स बाई फाइव है, इसमें हमको टू निकालना है, तो मैं क्या कर लिया, उतना कुछ सोचा नहीं है, हम टू इंटू वन बाई टू ले लिया। देखो ये नीचे वाला टू है, ऊपर में सिक्स है, तो काट के क्या हो जाता है, थ्री हो जाता है। तो देखो टू ए बी ऑलरेडी आ चुका है हमारा, तो अब बी क्या करेगा, मेरे पास तो टू माइनस फाइव है, उसको जैसे था उसको इंटैक्ट रख दो इधर, अच्छे से ध्यान से सुनो, रख दिया मैं इसको इधर। और क्या होता है, मैं क्या कह, देखो इसे बी मिला है ना, ये बी मिला है ना, तो मैं प्लस बी स्क्वायर होता है, ये एक्स प्लस ए होल्स का फॉर्मेट बनाना है ना, तो मुझे प्लस बी स्क्वायर लेगा एज वेल एज माइनस बी स्क्वायर लेगा। सो दैट क्या होता है, अगर मैं ऐसा लूंगा तो ये दोनों माइनस कटने से जीरो ही हो जाता है, थ्री बाई फाइव होल स्क्वायर माइनस थ्री बाई फाइव होल स्क्वायर कटने से जीरो ही हो जाता है। तो इसीलिए मैं क्या कर लिया, टू एक्स स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस और माइनस ऐसे करके लिखा है, एंड देन माइनस टू बाई फाइव लिखा है मैंने इसको, अंडरस्टूड? सर हाँ बोलो सर, हम ये वाला लाइन नहीं समझा, थ्री बाई फाइव स्क्वायर माइनस थ्री बाई फाइव होल स्क्वायर क्यों लिया? क्योंकि वजह वही है, तुम्हारा इधर बी कितना आया काट कूट करके, ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ना। तो इफ दिस इज बी, तो कट टू पुट करने के बाद ये क्या आ गया, बी आ गया, तो दिस इज ए स्क्वायर, दिस इज टू इंटू ए, और इसमें क्या हो गया, बी आ गया इधर, तो मेरा पास बी था क्या, थ्री फाइव होल स्क्वायर नहीं है ना, तो इसीलिए हम इसको लिखा है, लेकिन हम दिस इज मैथमेटिक्स, तुम कुछ भी हवा से आके लिखने नहीं सकेगा। तो मैं क्या किया, प्लस भी लिया है माइनस भी लिया है, सो दैट ये दोनों माइनस करने से वो कैंसिल आउट ही हो जाता है। तो इसीलिए मैं लिखा है थ्री बाई फाइव होल स्क्वायर माइनस थ्री बाई फाइव होल स्क्वायर, तो इसको देखो ना काटने से जीरो ही तो हो जाता है। तो हम लोग जानते हैं एवरी लाइन शुड बी आइडेंटिकल विद द प्रीवियस लाइन,
इसका इसका लाइन का देखो सिमिलरिटी मिल रहा है तुम, तो ये रहना नहीं रहना कोई बड़ा बात नहीं है। तो मैं इसको लिया है किस लिए, क्योंकि बी को चाहिए बोल के मेरा, नहीं समझा सर? समझ गया। किसी का कोई तकलीफ हो रहा है बताओ मुझे, नहीं तो मेथड ऑफ कॉम्प्लेक्स को नहीं जाना सब बहुत मुश्किल है। और ये मेथड जो है ना, ये मेथड एनसीईआरटी बुक में एक एक एग्जांपल में अलग अलग ढंग से करके रखा है। कुछ क्वेश्चन पूछना है फिर किसी का? सो आप क्या करेगा, मैं दिस पार्ट और दिस पार्ट ब्रैकेट के अंदर रखा है, ब्रैकेट के अंदर में रखोगे तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर हो गया। दैट मीन्स व्हाट, ए माइनस बी होल स्क्वायर, दैट मीन्स ए माइनस बी होल स्क्वायर। और बाहर में जो पढ़ा हुआ है थ्री स्क्वायर मतलब हो गया नाइन, फाइव स्क्वायर हो गया मतलब 25, और इसमें क्या हो गया माइनस टू बाई फाइव। अभी इसको शिफ्ट कराओ इधर, माइनस 25 मतलब प्लस 9 बाई 25, माइनस 2 बाई 5 मतलब प्लस 2 बाई 5, ये वैल्यू आ गया। समझ में आया ये सर? नो सर। हाँ बोलो। यस सर। कुछ क्वेश्चन नहीं है ना किसी का? No, so, देखो ये वाला जो दो पार्ट है 25 और ये 5, एलसीएम क्या होगा? सिंपल वाला है 25 होगा। सो दैट मींस 25 डिवाइडेड बाय 25 करने से क्या होता है, 25 डिवाइडेड बाय 25 करने से 1 आता है, राइट? काला हो गया। सॉरी सॉरी स्नेहा, कुछ बोल रहा था? सो देखो इसमें क्या हो गया कि 25 बाई 25 वन आ गया, 1 इंटू 9 मतलब 9 हो गया। अगेन 25 बाई 5 क्या होता है, 5 हो गया, और 5 इंटू 2 क्या होता है, 10 हो गया। गॉट माई पॉइंट? यस सर। सर तो मैं क्या कर रहा है देखो, 10 प्लस 9 जो है 19 हो गया, 19 बाई 25 हो गया, x माइनस 35 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 19 बाई 35। अभी जब स्क्वायर रूट करोगे बोथ साइड ना, तो क्या बन जाता है देखो, स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड्स इफ यू राइट ऑन इट, you may write here square rooting both sides, karega to banta kya hai, idhar square root banne se square gayab ho jata hai, fir isko main agar square root karunga to kya ho jata hai, plus minus square root of 19 by 5 ho jata hai। ye baat samajh mein aaya? तुम लोग जानते हैं 25 का अगर तुम स्क्वायर रूट करोगे व्हाट विल बी द रिजल्ट, 5 प्लस माइनस 5, क्योंकि यू नो डोंट नो प्लस माइनस 5 को, 5 को प्लस 5 को स्क्वायर करके 25 आया कि माइनस 5 को स्क्वायर करके 25 आया, यू डोंट नो। सो यू हैव टू यूज बोथ वैल्यूज प्लस एज वेल एज माइनस। समझ में आया? यस सर। सर हाँ बोलो। सर यहाँ पे स्क्वायर रूट ही क्यों यूज किया है? क्योंकि स्क्वायर से
स्क्वायर से स्क्वायर रूट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर को मैं अगर हटाऊंगा, मैं अगर ये स्क्वायर है, ये भी कुछ नहीं है, स्क्वायर को अगर हटाऊंगा तो क्या करना पड़ेगा? बोथ साइड स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, तब ये स्क्वायर हट जाएगा। क्योंकि हम लोग ये जानते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है? एक्स होता है ना? यस ठीक है, तो इसीलिए मैं स्क्वायर रूटिंग यूज किया। फिर क्या बन गया? x माइनस 3/5, और इसमें क्या करेगा स्क्वायर रूट करने से? स्क्वायर रूट ऑफ 19 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 19 बाई 25 मतलब 5 हो गया। तो माइनस 3/5 जो शिफ्ट करने से क्या हो जाता है? प्लस 3/5 एंड दैट इज प्लस माइनस रूट 19 बाई 5। समझ गए? यस सर। देखो सिंपल बात ऐसा होता है कि देखो इसमें 5 अगर तुम एलसीएम करोगे, 5 एलसीएम करोगे तो क्या बनता है? 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 19। दैट मींस यू हैव टू वैल्यूज, एक हो गया तुम्हारा एक क्या हो गया 3 प्लस रूट 19 बाई 5, सेकेंड वैल्यूज क्या हो गया 3 माइनस रूट 19 बाई 5। बोलो समझ में आया कि नहीं सर? बोलो सर। डाउट कंफ्यूज सर, यहाँ पे a प्लस वो a प्लस भी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करके निकाला। थोड़ी थोड़ा जोर से बोलो सर। यहाँ पे a प्लस b होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करके पूरा निकाला। वो इसमें a प्लस b होल स्क्वायर फॉर्मूला क्यों लाया? हाँ सर, मैं से ऊपर से पूरा a प्लस b। हाँ मैं a प्लस फॉर्मूला यूज़ मेथड ऑफ का दूसरी तरफ बैकग्राउंड में क्या साउंड हो रहा है सर? बारिश गिर रही है आपके टीवी में। ओह अच्छा अच्छा, देखो क्या होता है ना, ये देखो इसमें मेथड ऑफ कंप्लीट स्क्वायर का फंडा ही वही है, क्योंकि एक साइड में होगा होल स्क्वायर इज इक्वल टू जाके मान लो p बाई क्यू आएगा, राइट इसमें क्या आएगा x x उसके बाद प्लस हो या माइनस हो y होल स्क्वायर एंड दिस इज द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। मैं स्क्वायर को कंप्लीट कर रहा है, इसी तो बोल रहा है कंप्लीटिंग स्क्वायर ना, मैं एक होल स्क्वायर बना रहा है ऐसे करके, इन अ नटशेल हम बोल सकते। समझ गए सुष्मी? यस सर समझ गए। तो मैं वो बोलना चाहता है कि देखो सबको इन्हें नेचुरल वाइज बता रहा है, फर्स्ट क्या किया था एक्सेस का जो कोफिशिएंट उसको डिवाइड किया बोथ साइड, 5 हट गया एक्सेस का पड़ा हुआ है, जो पड़ा हुआ था इधर 2ab फॉर्मेट चाहिए तो मैं एक 2 लिया, तो 2 तो हम हवा में लड़ने से नहीं सकता है, सो क्या करेंगे 2 लिया तो 1/2 मिलेगा, तो मैं भी 2 ले लिया। तो 2ab फॉर्मेट लेने के लिए अभी 2 और 6 कट गया तो 3 आ गया, अभी 2ab फॉर्मेट आ गया तो a हो गया x, वो तो x था ही, और दिस इज द b, b मतलब क्या हो गया b स्क्वायर चाहिए तुम्हारा, तुम b स्क्वायर जब लिया है तो माइनस b स्क्वायर भी लिखो, तो लिख दिया मैं माइनस 2/5 जो इंटैक्ट पड़ा हुआ है। अभी ये वाला पार्ट जो लिया है देखो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर तो उसको अलग कर लिया, और ये वाला जो पार्ट है 3 का मतलब 9, 5 का मतलब 25, ये हो गया माइनस 9/25 माइनस 2/25 शिफ्ट कराओ तो 9/25 प्लस 2/5 कैलकुलेशन करो 19/25। तो ये स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करना है? स्क्वायर रूट करना है, तो मैं स्क्वायर रूट कर दिया। अभी माइनस 3/5 जब शिफ्ट करोगे क्या होता है? 3/5 प्लस माइनस रूट 19/5, एलसीएम करो 5 तो 3 प्लस माइनस रूट 19 हो गया। तो अभी एक बार प्लस से लिखो एक बार माइनस से लिखो, हो गया दो वैल्यू। एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीबॉडी प्लीज? नो सर।
एग्जाम्पल 19 देखो, इसको सेम ही किया है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, 4x का प्लस 3x प्लस 5 किया है, डिवाइडिंग में क्या बोला था, x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसको डिवाइड करो, तो बोथ साइड में 4 से डिवाइड कर दिया, x स्क्वायर प्लस 3y4 प्लस 5y4 इज इक्वल टू 0 किया है, उसके बाद सेम वैल्यूज, एक 2 लेना है और एक हाफ लेना है, तो मैं देखो ले लिया इधर, अभी 2 क्या किया है 4 का साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 8 हो गया, तो मतलब 2 x को पहले लिखा है और y को ये जगह में लिखा है, मतलब 2ab फॉर्मेट, a स्क्वायर हो गया x स्क्वायर, 2ab, a मतलब हो गया x और दिस इज b, 3/8b, अभी b अगर होगा तो क्या होगा, प्लस b बाई बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इधर प्लस बी स्क्वायर लिख दिया मैं, माइनस बी स्क्वायर जो है दिस एंड प्लस 5/4 दिस, अगर ये हो जाएगा तो दैट मींस क्या होता है, देखो 3 स्क्वायर बाय 8 स्क्वायर मतलब 64, 9 में 64, ये तो पूरा घुसा दिया, x प्लस 3 बाय 8 होल स्क्वायर हो गया, आई थिंक तुम्हारा समझ में आया, नहीं समझ तो से बताओ, ये पार्ट को घुसा दिया मैं, हाँ बोलो, तो ये x जो a कैसे हो गया, अरे इमेजिन करो ना, हम तो लिखा नहीं है, 2ab फॉर्मेट, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर फॉर्मेट में लेके आना है, फॉर्मेट x को a नहीं लिखा है मैं, x x ही है, तो मुझे जस्ट ये फॉर्मेट में लाना है, नहीं तो तुम a प्लस b या फिर a माइनस b फॉर्मेट में जाओगे कैसे, सो ये और ये, तो इसलिए इसको मैं क्या किया, इसको ब्रैकेट लगा दिया, और ब्रैकेट लगाना मतलब क्या होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर, राइट, वो ध्यान से सुनो, ये b को मैं, ये b फॉर्मेट में था, अभी तुम्हारा b स्क्वायर तो नहीं था, सिंपल 5 बाई 4 है, तो 5 बाई 4 को पीछे लगा के एक बाहर से मैं 3 बाई 8 होल स्क्वायर लिया है, लेकिन बाहर से तुम तभी ले पाएगा जब उसका कैंसलेशन का इंतजाम करोगे, तो प्लस लिया तो माइनस भी ले लिया उसका साथ, तो जब प्लस लिया है That means क्या होता है x plus 3 by 8 whole square और 3 by 8 whole square मतलब हो गया 9 by 64 plus इसे 5 by 4 हो गया, अब इसको shift कराओ, shift करा दो उसको, क्या हो जाता है minus 9 by 64 इधर जाने से plus 9 by 64 plus 5 by 4 is equal to क्या होता है minus 5 by 4, अभी LCM करो कितना होगा 64 होगा, तो 64 divided by 1 64 divided by 64 comes 1, 1 into 9 किया है तो 9 आ गया, फिर 64 divided by 4 कितना आता है 16 आता है, 16 into 5 कितना किया है 18, जब ये कर लिया that means क्या हो जाता है, देखो 64 LCM 9 minus 80 मतलब क्या हो गया minus 71 by 64 which is less than 0, we know it, which is less than 0, अगर ये square का value negative, it should not be, negative नहीं हो सकता है, square का value negative कैसे, square root of minus 5 possible है क्या, square root of minus 5, नहीं कर पाएगा तुम, so इसीलिए negative अगर हो गया ये value, cannot be negative, that means हम बोल सकते हैं, the given equation has no real roots, हम क्या बोल सकते हैं, द गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, समझ में आया कि नहीं, ठीक है ना, एक साम्स दिया है मैं 4.3 में चला गया, हम देखो
4.3 का क्वेश्चन नंबर 3, 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है? x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 3, इसको क्या करेगा? देखो x माइनस 1 बाई एक्स लिखा हुआ इक्वल टू 3, सिंपल बात है x इंटू x करने से क्या होता है, x स्क्वायर होता है, माइनस 1 बाई इसमें क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, एंड दैट इज इक्वल टू 3। और ये x क्या करेगा, इधर शिफ्ट कराओ तो x स्क्वायर माइनस 1 इंटू 3x। अब ये 3x को शिफ्ट कराओ इधर तो क्या होता है, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1। समझ में आया या नहीं? सर अभी क्या करेगा, देखो मेरा काम क्या करना है, मुझे इक्वेशन निकालना है। तो मेरा टारगेट है, इसको मैं मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर यूज करूंगा। तुम्हारे पास फॉर्मूला जानता है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या होता है? तो फर्स्ट एक काम करता है, कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax का प्लस bx प्लस c, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका साथ अगर इसका तुम कंपेयर करोगे, यू विल फाइंड a इज इक्वल टू 1, ux का कोएफिशिएंट कितना है, कुछ नहीं है, मतलब दिस इज 1। b कितना होगा, माइनस 3। c कितना होगा, माइनस 1। देखो मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मैं दिखा रहा हूं तुम लोगों को, तो डी निकालो फर्स्ट, तो डी नहीं निकलने से पता नहीं चलेगा रूट साई की नहीं है। तो डी हो गया कि बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब माइनस 3 होल स्क्वायर, माइनस 4 लिखो, ए क्या वैल्यू कितना है, 1 है लिखा है, सी कितना है, माइनस 1 है लिखा है, माइनस 1 इंटू माइनस 4 क्या होता है, प्लस 4, माइनस 3 स्क्वायर मतलब हो गया 9, तो 9 प्लस 4 क्या होता है, 13। तो डी का वैल्यू क्या हो गया, ग्रेटर देन जीरो। डी का वैल्यू क्या हो गया, ग्रेटर देन जीरो। अगर ग्रेटर देन जीरो का हम लोग जानते हैं क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो होने से कि द इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, हम लोग पढ़ा था ना, डी अगर ग्रेटर देन जीरो होगा दैट मींस द इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो वैल्यू पुट कर दो, एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, मतलब बी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4 एसी, डी लिख दिया तो रूट 13 हो गया, बाय 2 इंटू ए, 2 इंटू ए मतलब 2 इंटू 1, ए का वैल्यू कितना 1 है, लिख दिया मैं, तो माइनस बी, बी मतलब क्या हो गया, माइनस 3 होता है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 13, तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, 3 होता है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 13। तो देखो दो वैल्यूज आ गया, एक हो गया 3 प्लस रूट 13 बाई 2, एक हो गया 3 माइनस रूट 13 बाई 2। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। तो दिस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अनदर एग्जांपल देखने जा रहा है, देखो ये वाला कॉन्सेप्ट वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, मत सिंपल है ये। क्या करेगा देखो, इसमें ये वाला पार्ट जो है कि एलसीएम करो x प्लस 4, x प्लस 4 इंटू x माइनस 7 को एलसीएम करो, x प्लस 7 इंटू x माइनस 7 डिवाइडेड बाय x प्लस 4 करने से क्या पड़ा रहता है, x माइनस 7 पड़ा रहता है इंटू 1, क्या होता है, x माइनस 7 पड़ा हुआ है। और इसमें देखो दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो x माइनस 7 का डिवाइड हो जाता है, कट जाता है, क्या पड़ा रहता है, x प्लस 4 पड़ा रहता है, एंड दैट इज इनटू 1 मतलब x प्लस 4। अभी देखो ब्रैकेट ओपन कर लो, x माइनस 7 माइनस x माइनस 4 कर लिया, x x कैंसिल आउट, तो क्या पड़ा रहता है, माइनस 7 माइनस 4 मतलब क्या होता है, माइनस 11, और इसमें 11 बाई 30 हो गया। अल्टीमेटली इसमें तक माइनस 11 और इसमें प्लस 11, 11 11 कट ऑफ, इसमें माइनस 1 पड़ा हुआ है। अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, माइनस 1 इंटू 30 क्या होगा, माइनस 30 होगा, और दिस इंटू 1 क्या होता है, ये पार्ट हो जाता है। अभी x प्लस 4 इंटू x माइनस 7 करोगे तो क्या होगा,
क्या हो जाता है इसमें, देखो x इंटू एक्स क्या होता है, x स्क्वायर हो गया, x इंटू माइनस सेवन एक्स, सेवन क्या होता है, तो क्या हो जाता है x इंटू एक्स क्या होता है x स्क्वायर, x इंटू सेवन क्या होता है माइनस सेवन एक्स, प्लस फोर इंटू एक्स क्या होता है प्लस फोर एक्स, प्लस फोर इंटू माइनस सेवन क्या होता है प्लस फोर इंटू माइनस सेवन मतलब माइनस ट्वेंटी एट हो जाता है, इसमें जो माइनस थर्टी है उसको लिख दो, क्या हो गया अल्टीमेटली माइनस सेवन एक्स प्लस फोर एक्स क्या होता है माइनस थ्री एक्स, ये प्लस ट्वेंटी एट है, माइनस थर्टी इधर से घुमा के घुसाने से क्या होगा प्लस थर्टी हो जाएगा, तो प्लस थर्टी माइनस ट्वेंटी एट क्या होता है प्लस टू। अब इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करो, ए होता है वन, बी होता है माइनस थ्री एंड सी होता है टू। लिख दिया मैं इसको, अगर लिखोगे तो क्या हो जाता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, यूज करो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, माइनस थ्री होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू ये हो गया वन इज ए, और सी क्या हो जाता है टू हो गया, दैट मीन्स माइनस थ्री होल स्क्वायर मतलब क्या होता है नाइन, माइनस फोर इंटू टू एट हो गया, तो वन आ गया, दैट मीन्स इट हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, दोनों अलग अलग रियल रूट्स है, समझ में आया। अभी सिंपल सा बात है, क्या करूंगा माइनस ब्रैकेट के अंदर में माइनस थ्री प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी वन है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, थ्री प्लस माइनस रूट वन, तो थ्री प्लस वन मतलब क्या होगा फोर, थ्री माइनस वन मतलब क्या हो गया टू, तो फोर बाई टू कमा टू बाई टू, दैट मीन्स टू और वन आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, दोनों वैल्यू आ गया इसमें, बोलो समझ में आया कि नहीं। Yes, sir. This has been done by using quadratic formula. फिर आ जाओ 4.3 का क्वेश्चन नंबर 8 में। चलो देखते हैं कैसे करेगा। ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, टोटल डिस्टेंस कितना, तो हम एज्यूम करते हैं स्पीड ऑफ द ट्रेन है x किलोमीटर पर आवर, नॉर्मल स्पीड कितना है, डिस्टेंस है 360 किलोमीटर, स्पीड कितना है x किलोमीटर पर आवर, सो 360 बाई एक्स हो गया डिस्टेंस बाई एक्स, दिस इज द स्पीड, क्योंकि वी इज इक्वल टू एस बाई डी जानता है, तो टाइम कितना होगा एस बाई वी मतलब क्या होगा 360 बाई एक्स, दिस इज टाइम। So, अगर स्पीड 5 किलोमीटर मोर तो टाइम कितना लगेगा 1 आवर लेस, ये बोला है ना, तो क्या कर ले स्पीड कर दिया x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम कितना लगना चाहिए, पहले वाला से टाइम लेना चाहिए 1 किलोमीटर लेस, ये 1 आवर लेस, तो 360 बाई एक्स माइनस 1, 360 बाई एक्स माइनस 1 ले रहा है, दैट इज टाइम, एंड वी नो वी इज इक्वल टू एस बाई टी, तो एस मतलब क्या हो गया मतलब डिस्टेंस मतलब क्या हो गया वी इंटू टी, वी मतलब कितना हो गया स्पीड, हम स्पीड बढ़ाया था ना 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा, तो लिखा है ये, और टी कितना होगा टाइम कितना होगा दिस पार्ट 360 बाई एक्स माइनस 1, तो वी इंटू टी कर दिया दैट इज इक्वल टू एस। अगर ये हो गया देखो तो ये इक्वेशन से हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंपल बात है x इंटू वन क्या होता है x हो जाता है 360 माइनस x बाई एक्स,
अभी मैं क्या किया देखो, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई एक्स, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई एक्स, तो मैं एक से बोथ साइड को मल्टीप्लाई कर रहा है। अगर मैं ये इसका साथ एक्स मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा, एक साथ जो एक से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इधर देखो एक्स से मल्टीप्लाई किया है तो ये एक्स और ये एक्स कट गया, तो क्या पड़ा रहेगा, एक्स प्लस फाइव, एक्स प्लस फाइव इंटू थ्री सिक्स माइनस एक्स, और इसका साथ एक्स का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, थ्री सिक्सटी एक्स हो गया। समझ में आ रहा है? अभी इसको मल्टीप्लाई करो, करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ एंड सॉल्व करो। ये तो हम लोग पहले भी बताया तुम लोगों, सेम केस कर लिया। तो देखो इसमें एक्स का वैल्यू दो आता है, एक 40 आता है, एक माइनस 45 आता है, तो नेगेटिव वैल्यू स्पीड पॉसिबल नहीं है, सो इसलिए वी आर टेकिंग पॉजिटिव वैल्यू। स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या हो गया, 40 किलोमीटर पर आवर होगा। एनी क्वेश्चन? क्लियर है ये पार्ट? मैं प्रोसीड करते हैं। मैं अगेन आई एम टेलिंग, जो जो साम्स मैं करा रहा है उसको पहले प्रैक्टिस करो बहुत अच्छे से। मैं साम्स चुन चुन के करा रहा है, ये सब साम्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद एग्जांपल्स करो एंड देन गो फॉर द एक्सरसाइज। फोर पॉइंट थ्री का देखो क्वेश्चन नंबर नाइन। Two water taps together can fill a tank in this hours. Nine of 3/8 hours में दो ठो water taps अगर तुम चलाओगे तो इतना hours में एक tank को full कर सकता है। Tap of larger diameter जो है it takes 10 hours less than the smaller. मतलब क्या होता है देखो, तो हम मान लेते हैं कि smaller tap जो है एक घंटा में fill करते हैं, तो स्मॉलर टैप जो है वो एक घंटा में फिल करते हैं, तो लार्जर टैप क्या होगा, 10 घंटा लेस, दैट मींस क्या होगा, एक्स माइनस 10 आवर्स में फिल करते हैं लार्जर टैप। हेवी लार्जर टैप मतलब कि ज्यादा मोटा है तो ज्यादा अमाउंट ऑफ पानी घुस सकता है, इसीलिए उसका टाइम कम लग रहा है भरने के लिए। अगर तुम्हारा अगर ऐसा होता है कि अगर एक घंटा लगता है स्मॉलर टैप को भर्ती करने के लिए, तो एक घंटा में कितना पार्ट ऑफ द टैंक भर्ती करेगा बोलो, तो सिंपल सा बात है, 1/x। 1/x पार्ट को भर्ती करेगा। सिमिलरली इतना घंटा अगर लार्जर टैप को रखते हैं तो एक घंटा में कितना लगेगा, 1/x-10 पार्ट ऑफ द टैंक, राइट। एक घंटा में अगर फुल पट कर लेगा तो एक घंटा में कितना होगा, 1/x पार्ट, एक्स माइनस 10 घंटा में अगर फुल पट ऑफ द टैंक फिल कर लेगा तो एक घंटा में कितना करेगा, 1/x-10 का पार्ट। वेरी सिंपल लॉजिक। अगर यही होता है तो टाइम टेकन बोथ टैप ओपन रहते हैं, बोथ टैप जब ओपन रहते हैं तब क्या होता है, कितना आवर चलता है, 9 of 3/8, मतलब कितना 75/8 आवर्स टू फिल। तो एक घंटे में कितना करेगा बोथ टैप, वेरी सिंपल, 8/75, राइट। तो बोथ टैप जो ओपन था, छोटा टैप क्या करता है, 1/x पार्ट एक घंटा में करते हैं, बड़ा टैप क्या करते हैं, 1/x-10 करते हैं। तो दोनों टैप जब ओपन कर दिया, दोनों टैप को ऐड करना, मतलब क्या होगा, 8/75 हो जाएगा, इतना आवर्स, इतना पार्ट ऑफ द टैंक फुल होता है एक घंटा में। दोनों काम अलग अलग से एक घंटा करके लिया है ना,
ये एक घंटा का इसका परफॉर्मेंस है, छोटा का बड़ा का परफॉर्मेंस है 1/(x-10). अगर ऐड करोगे तो व्हाट हैपेंस, तो तुम्हें तो दे ही दिया था, बोथ टाइप एक साथ फिल करते इतना आवर्स में, तो एक घंटे में कितना होगा 8/75, राइट? सो अगर ये होगा, अभी देखो इसका सोल्यूशन करने का डिफरेंट तरीका तो तुम लोग जानते ही हैं, उसको छोटा से बोल देते हैं, जैसे कि पहले बताया था हम x into x minus 10, तो इसको देखो LCM x into x minus 10 का साथ x LCM लो, x कैंसल्ड आउट, तो x-10 into 1, सो x-10 पर होगा, फिर दिस डिवाइडेड बाय x-10 करने से क्या था x-10 कैंसल आउट, x into 1 क्या हो जाता है, x हो जाता है, तो दैट मींस x प्लस x क्या होता है 2x-10, y क्या होता है x का -10x, कर लिया ये into 8/75, अब एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, करके कैलकुलेशन करके एक क्वाड्रेटिक फॉर्म मिल गया, तुम प्लस माइनस क्या दिखाएगा हम सकते हैं तुम लोग, तो a का वैल्यू क्या आएगा 8, b का वैल्यू क्या आएगा -230 और c का वैल्यू क्या होगा +750, तो मैं लिख दिया इसको, अभी b² - 4ac करो, b² कितना होगा -230 होल स्क्वायर, -4 into a का वैल्यू कितना 8, c का वैल्यू कितना है 750, वैल्यू क्या है 289000, अभी रूट्स ऑफ द इक्वेशन सर क्या होगा -b का वैल्यू तुम जानता है -30 230, तो मैं इसको लिखा है -230 स्क्वायर रूट d मतलब कितना होगा 289000, अब देखो क्या होता है इसको स्क्वायर रूट कैसे करोगे 289000, तो 100 को अलग से स्क्वायर रूट कर लो और 289 को अलग से स्क्वायर रूट कर लो, तो 17 into 10 होगा 230 + -170/16, 230 + 170 और 230 - 170, ये हो गया 230 + 170 मतलब कितना हो गया 400 हो गया by 16, और क्या हो जाता है 60 by 230 - 170 मतलब 60 होता है 60/16, अगर ये हो गया दैट मींस देखो 400/16 कितना होता है 25 होता है, और 60/16 क्या होगा 15/4 आ जाता है, तो स्मॉलर टाइप अगर 25 घटा लेगा तो लार्जर टाइप कितना होगा -10 होगा, तो पॉसिबल है, लेकिन इसमें देखो स्मॉलर टाइप अगर 15/4 आवर्स लेगा तो लार्जर टाइप लेता है 15/4 - 10 मतलब -25/4 आवर्स विच इज नॉट पॉसिबल, समझ गए? So, ये 15 आवर्स हो गया, तो ये वैल्यू पॉसिबल है, दूसरा वैल्यू पॉसिबल नहीं क्योंकि नेगेटिव में नहीं आ सकता है, तो दिस इज योर आंसर, बता कोई ये है डाउट है? नो सर। सर हाँ बोलो सर, आप जिससे इसे कॉलम देख के किए है ना सर, हम लोग एग्जाम में ऐसे कर सकते हैं? क्यों नहीं कॉलम, ये जो बीच में ये करके ऐसा ये लाइन को बोल रहा है? हाँ सर। हाँ क्यों नहीं, मैं उस ढंग का एग्जाम्स में तुम लोग करा रहा है जिस ढंग का तुम लोग एग्जाम में जाके करोगे, तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ इस ढंग को तुम फॉलो कर सकते हैं, लॉजिक कुछ भी लगाओ इस ढंग को अगर फॉलो करोगे तो एग्जाम में इस ढंग का ही करोगे, क्योंकि देखो जितना बच्चा तुम लोग बैठा हुआ है सबका एक एक करके हर एक साम्स को चेक करना पॉसिबल नहीं है, आइदर मुझे तो वही करना पड़ेगा तो तुम लोग का स्कूल का जैसा कि सब में गलत करो ये सही करो हर पेज में टिक मार के लास्ट में सीन बोल के छोड़ देते हैं, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है हर कोई बच्चा के एक एक पकड़ के होमवर्क चेक करना, इट इज इम्पॉसिबल टास्क, तो मैं इसीलिए क्या कर रहा है पूरे ढंग को सिखा रहा है, ये ढंग को फॉलो कर लो, लॉजिक तुम कुछ भी लगाओ,
तो एटलीस्ट एक स्टैंडर्ड फॉर्म में दे दिया जिसको फॉलो करके करो, ये सबको बोल रहा है मैं। और ऐसा भी मत सोचो कोई कि अरे सब तो होमवर्क चेक करता नहीं, हम भी नहीं करेगा, नहीं करने से तुम मुश्किल में फंसेगा, तुम लोग बोलना चाहिए तुम लोग। तो जैसे करके हम कॉलम देके कर रहा है, ये ऊपर में देखो मैं कॉलम यूज किया है दो साइड में ये वाला, तो ऐसा करके कर सकता है एक टैली हो तो और भी क्लैरिटी आता है इसमें ना। ये नॉर्मल स्पीड इसमें 5 किलोमीटर पर आवर मोड, और भी क्लैरिटी आता है टीचर का, उल्टा नीचे नीचे करने से क्लैरिटी कम आता है, समझ गए ना? यस सर। दिया ठीक है? हाँ सर ठीक है। चलो तो मैं हर साउंड्स को स्टैंडर्डाइजेशन कर रहा हूं। नेक्स्ट पार्ट होता है ये वाला साउंड्स, देखो 4.3 का, लेट द एवरेज स्पीड ऑफ द पैसेंजर, क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। दो ट्रेन इसमें है, एक है एक्सप्रेस ट्रेन, एक है पैसेंजर ट्रेन। तो ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन। एक्सप्रेस ट्रेन क्या होता है, जब मैसूर टू बेंगलुरु जाओगे ना, एक्सप्रेस ट्रेन 1 घंटा कम टाइम लेते हैं। डिस्टेंस कितना है 132 किलोमीटर। एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन बोला है 11 किलोमीटर मोर देन दैट ऑफ अ पैसेंजर ट्रेन। तुम्हें निकालना क्या है, तुम्हें निकालना है कि दोनों ट्रेन का एवरेज स्पीड निकालना है, मतलब वही है एक्सप्रेस ट्रेन का जो स्पीड है दैट इज 11 किलोमीटर ज्यादा है पर आवर देन द पैसेंजर ट्रेन। चलो क्या बोलते हैं, हम एज्यूम करते हैं पैसेंजर ट्रेन का स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, तो एक्सप्रेस ट्रेन का कितना होगा स्पीड, x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस अगर 132 किलोमीटर होगा, इसमें भी 132 किलोमीटर लगा रहा है, हम लोग जानते हैं ये v is equal to s by t, तो t is equal to क्या होगा s by v। s मतलब कितना हो गया डिस्टेंस मतलब 132, स्पीड कितना हो गया x। अभी एक्सप्रेस ट्रेन क्या होता है, एक्सप्रेस ट्रेन का क्या होता है टाइम कितना लगाएगा, वही v is equal to s by t, ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। डिस्टेंस कितना होगा 132, स्पीड कितना होगा x प्लस 11 किलोमीटर आवर, दोनों का टाइम ही है। अभी देखो एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 घंटा कम लेते हैं, तो पैसेंजर ट्रेन का टाइम कितना होगा 1 आवर ज्यादा, तो डेफिनेटली पैसेंजर ट्रेन का ये है और ये हो गया तुम्हारा एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम। तो एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम और पैसेंजर ट्रेन का टाइम जो है दोनों का अंदर में टाइम का डिस्टेंस कितना होगा 1 घंटा, तो 132/x माइनस 132/x+1 दैट इज इक्वल टू 1। 132 को कॉमन ले लो, 1/x माइनस 1/x+11, 132 अगर इधर चला जाएगा क्या बन जाता है इसमें x into x plus 11 by x कट जाने से x plus 11 हो गया, x into x plus 11 by x plus 11 कट जाने से क्या होता है x हो जाता है, और 132 तो है ही, तो 132 into 11 करो क्या बन जाता है 1452। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके अल्टीमेटली क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसको ये ढंग से लेके आओ, x square plus 11x minus 1452 is equal to 0। So, दोनों का अगर कंपैरिजन करोगे तो a का वैल्यू क्या होगा 1 होगा, b का वैल्यू क्या होगा 11 होगा, एंड c का वैल्यू क्या होगा माइनस 1452 होगा। ठीक है, तकलीफ हो रहा है कुछ?
अगर ये होगा तो a का वैल्यू लिख दिया अभी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, मतलब d को फाइंड करो, बी स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए इंटू ए इंटू सी लिखा है, क्या वैल्यू आ रहा है d का वैल्यू 5929, सिंस दिस ग्रेटर देन जीरो सो हैज टू डिक्लेयर, हम लोग जानते हैं अगर ग्रेटर देन जीरो होगा मतलब टू टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, तो क्या हो गया x इज इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू क्या है माइनस 11 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, मतलब डी स्क्वायर रूट ऑफ डी लिख दिया, डी मतलब हो गया 77, तो माइनस 11 प्लस माइनस 77 मतलब क्या है, एक बार प्लस करके देखो एक बार माइनस, क्या हो जाता है 33 कॉमा माइनस 45 4, तो स्पीड ऑफ द ट्रेन शुड नॉट बी शुड नेवर बी नेगेटिव, पॉसिबल नहीं है, तो क्या होता है 33 हो गया स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, तो एक्सप्रेस ट्रेन का क्या बोला है उसको क्या होगा, देखो 11 किलोमीटर ज्यादा है तो 44 किलोमीटर होगा, बोलो क्या डाउट है सर। हाँ बोलो सर, वो 11 भी तो प्लस 11 था ना सर, माइनस नहीं था, कौन सा होगा कौन सा होगा, बी जो है हाँ प्लस 11 आए तो ठीक ही, तो कैसे हुआ कौन सा माइनस भी कैसे हुआ है, ये माइनस कैसे हुआ है, हाँ सर फॉर्मूला क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का बताओ मुझे, माइनस भी था ना, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू है, तो वो फॉर्मूला था, समझ गए, हाँ सर, तो ये हो गया तुम्हारा फंडा, बोलो डू यू हैव एनी डाउट्स तो प्लीज आस्क, नेक्स्ट हाउस में जाते हैं, ये सम 11 नंबर सम्स है, सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर, दोनों स्क्वायर जो है वो क्या होता है कि सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू स्क्वायर 468 मीटर स्क्वायर, दोनों का डिफरेंस ऑफ द पेरीमीटर बोला है 24 मीटर, वेरी इंटरेस्टिंग सम्स, दोनों स्क्वायर एरिया ऑफ द टू स्क्वायर मतलब दो ठो जो स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है अनदर एक स्क्वायर है, दोनों स्क्वायर का बोला है एरिया का सम होता है, बोल रहा है कि 468 मीटर स्क्वायर, अब बोल रहा है ये दोनों स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है ना उसका डिफरेंस है 24 मीटर, उसका डिफरेंस है 24 मीटर, तो अगर ये हो जाएगा तो दैट मीन्स हम लोग व्हाट शुड वी डू, 24 मीटर मतलब चलो देखते हैं क्या करेगा हम लोग, साम्स में चला जाते हैं, ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर एक्स मीटर है, तो हम एक्स स्क्वायर का साइड सोच लिया कि एक्स मीटर, उसका पेरिमीटर कितना होना है स्क्वायर का, मतलब स्क्वायर का पेरिमीटर फॉर्मूला क्या होता है 4 इनटू साइड,
4x हो गया, तो पेरीमीटर ऑफ अनदर स्क्वायर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ अनदर स्क्वायर क्या होगा, दोनों का डिफरेंस बोला है 24, तो एक का अगर 4x होगा दोनों का क्या, सेकंड वाला क्या होगा 4x माइनस 24, डिफरेंस बोला है। तो अगर तुम्हारा पास पेरीमीटर ऑफ अनदर स्क्वायर तुम मिल गया तो उसको तुम साइड निकाल सकता है, क्योंकि पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर मतलब क्या है, 4 इंटू साइड है ना, फोर इंटू साइड होता है ना, तो उससे तुम्हारा डिवाइड करोगे तो 4 कट ऑफ हो जाता है ना, 4 कट ऑफ हो जाता है, तो साइड रह जाता है। तो मैं क्या किया, साइड ऑफ द अनदर स्क्वायर का जो पेरीमीटर है उससे क्या, मतलब पेरीमीटर ऑफ अनदर स्क्वायर जो निकला है उससे 4 डिवाइड कर चुका है, 4x माइनस 24 बाई 4 कम्स व्हाट, x माइनस 7, x माइनस 6, 4x बाई 4 मतलब क्या हो गया, x हो गया, 24 बाई 4 मतलब क्या हो गया, 6 आ गया। समझ में आया, एनी क्वेश्चन प्लीज। सो अगर ये दिखाएगा तो 4x इज इक्वल टू x माइनस 7, जब तुम्हारा साइड तो मिल गया, एक स्क्वायर का साइड और सेकंड स्क्वायर का साइड तो मिल गया, अभी दोनों के स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर, तो दोनों का एरिया का सम लिख दिया मैं सर। सर आप सेकंड ट्रायंगल का जो पेरिमीटर है 4x माइनस 24 लिया ना, ट्रायंगल नहीं इसमें स्क्वायर का लिखा, ओ सर सर स्क्वायर सर सर, हाँ सर वो प्लस 24 नहीं होना चाहिए ताकि जब इससे माइनस करे मतलब दोनों का डिफरेंस हो तब वो 24 रहे। मान लो a माइनस b, a माइनस b इज इक्वल टू मान लो 24 है, राइट, a माइनस b बोल रहा है कि 24 है। अब मान लो तुम्हारा पास b का वैल्यू है, B का वैल्यू मान लो तुम्हारे पास, सॉरी मान लो तुम्हारे पास A का वैल्यू है, यू डोंट हैव द वैल्यू ऑफ B, यू नोट नीड द वैल्यू ऑफ B, B को शिफ्ट करो और 24 को इधर से इधर लेके आओ, तो बनता क्या है, फोर एक्स माइनस 24 होता है ना, एंड दैट इज इक्वल टू बी। तो मैं जो लिखा है इसमें, हाँ सर समझे। सो अभी दोनों का साइड मिल गया, मैं साइड जब मिल गया अभी दोनों का स्क्वायर करो, एंड स्क्वायर करके अकॉर्डिंगली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला में लेके आओ, एंड देन एबीसी निकालो, डी का वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट निकालो, निकाल के प्लस और माइनस है, एक बार प्लस करोगे तो एक बार माइनस, तो ये वैल्यू आ गया तुम्हारा 18 एक वैल्यू आ गया और एक है माइनस वैल्यू, तो स्क्वायर का साइड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर कर रहा है, सो 18 पड़ा हुआ है, तो साइड ऑफ द स्क्वायर कितना हो गया, एक हो गया 18, तो दूसरा क्या होगा, दूसरा का साइड कितना होगा, मैं दिखा था ना x माइनस 6 हो गया था ना, एक का साइड x निकला था, दूसरा का साइड डिवाइड करके x माइनस 6 आ गया था, तो इसीलिए एक का जब 18 हो गया तो दूसरा का कितना होगा, x माइनस 6, तो दैट इज 12, अंडरस्टूड, क्लियर है सर? यस सर। 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का मैं 2 कर दिया, फिर देखो मैं स्क्वायर रूट चूज किया,
ये जानता है बच्चा लोग का स्क्वायर रूट का प्रॉब्लम होता है, तो चलो ज्यादा उसमें हीट करेगा। क्या बोला है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ रियल रूट एग्जिस्ट देन फाइंड देम। रियल रूट कब एग्जिस्ट नहीं करता है बोलो तो? जब जीरो होता है, डी लेस देन जीरो होता है। है ना, जब डी लेस देन जीरो होता है। तो चलो चेक करते हैं रूट्स है कि नहीं है। तो मैं ये फॉर्मूला से मैं ए बी और सी निकाल लिया, तो डी निकला है। देखो डी का वैल्यू जीरो आ गया, तो हम लोग जानते हैं अगर डी ग्रेटर देन जीरो होगा और इक्वल टू जीरो होगा दैट मीन्स रियल रूट एग्जिस्ट करता है। हम लोग पढ़ा था ना कहाँ गए थे वो, ये देखो d अगर ग्रेटर देन जीरो होगा और d इज इक्वल टू जीरो होगा दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं, डिस्टिंक्ट हो और इक्वल हो रियल रूट एग्जिस्ट तो कर रहा है। बट d लेस देन जीरो अगर होगा दैट मीन्स देयर इज नो रियल रूट्स। इफ d लेस देन जीरो दैट मीन्स देयर इज नो रियल रूट्स, राइट। तो इसमें देख रहा है कि इज इक्वल टू जीरो आ रहा है। Is equal to zero है, that means yes, it has two equal real roots, but है तो d का value zero है, तो square root of d का value zero हो गया, and that means minus b by two है हो गया, b का value हम लोग निकाल चुका था इधर से, निकाल लिया था, तो उसे put कर दो, b का value minus b, minus तो बाहर में रहते ही है, और d तो zero था, by two है, तो क्या आ गया? x 2 root 3 by 3, तो 2 root 3 by 3 हो गया, so कितना वैल्यू हो गया 2 root 3 by 3, डबल लिख दिया, they are the roots of the equation, clear? समझ गए? कोई दिक्कत है किसी का? No, sir. So, next में जाते हैं क्वेश्चन नंबर टू का। बोला है फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स तभी होता है जब डी इज इक्वल टू जीरो होता है। तो मैं दोनों वाला सेकेंड वाला साम्स लेके काम कर रहा है, तो मैं इसको लिया है, इसको केक्स को मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म में लिखा है। कंपेयर किया है एक्स का प्लस बी एक्स प्लस सी का साथ, ए का वैल्यू क्या होता है, बी का वैल्यू माइनस टू के, सी का वैल्यू सिक्स। ये अगर हो गया सो दैट मीन्स वी हैव टू चेक डी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि हम लोग जानते हैं रियल रूट्स के लिए अगर इक्वल रेट्स होगा रियल रूट्स होगा दैट मीन्स हमको डी इज इक्वल टू जीरो होना ही है। तो मैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए सी लिख दिया, बी मतलब क्या माइनस टू के होल स्क्वायर लिखा है, 4 इंटू ए मतलब क्या है k लिखा है, c मतलब क्या है 6 है लिख दिया। तो माइनस टू के होल स्क्वायर मतलब 4k स्क्वायर माइनस, इसमें क्या हो गया माइनस 24k इज इक्वल टू जीरो। तो 4 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 4k स्क्वायर बाई 4 मतलब k स्क्वायर आ गया, 24k बाई 4 होगा तो क्या हो गया 6 हो गया इज इक्वल टू जीरो। अब देखो k इज k कॉमन लेने से k into k minus 6 तो क्या वैल्यू हो जाता है, देखो k का इज इक्वल टू आइदर 0 होगा नहीं तो k इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, मतलब k का दो वैल्यू है। तो चलो एक बार पुट करके देख लेते हैं, अगर तुम मेन इक्वेशन जो है ना ये इक्वेशन जो है ना ये इक्वेशन का k का वैल्यू अगर 0 लगा दोगे तब क्या होता है, देखो 6 इज इक्वल टू 0 हो जाता है। इज इट पॉसिबल? पॉसिबल है ये? पॉसिबल नहीं है। तो k इज इक्वल टू 0 शुड नॉट बी देयर।
तो k का वैल्यू 6 लगा दो, k का जगह 6 पुट कर दिया, हाँ ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेट में आ रहा है. दैट मींस वी कुड राइट व्हाट, फॉर k इज इक्वल टू 6, फॉर k इज इक्वल टू 6 इट हैज टू इक्वल रूट्स. समझ गए? यस सर. एनी डाउट फ्रॉम एनीवन प्लीज? चलो जो सेकेंड वन में 5, तो क्या हो जाएगा देखो, 5 क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 5 जो बोला है कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना पड़ेगा, डी चेक करना पड़ेगा, और डी लेस देन 0 होगा दैट मींस इट इज नॉट पॉसिबल, अदरवाइज इट इज पॉसिबल. तो बोला इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्ट, उसका पेरीमीटर 80 मीटर होता है और एरिया 400 मीटर स्क्वायर. तो चलो तो इज इट पॉसिबल, मतलब डी का वैल्यू देखना है. तो ये वाला जो पार्ट है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन, चलो चेक करते हैं. मुझे क्या करना पड़ेगा, बेसिकली फर्स्ट मुझे जो करना पड़ेगा उसमें मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करके उसको डिस्क्रिमिनेंट चेक करना है. अगर डी लेस देन 0 होगा दैट मीन्स क्या है, पॉसिबल नहीं है डिजाइन करना. अगर डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा दैट मींस पॉसिबल है डिजाइन करना. चलो देखते हैं, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. देखो पेरीमीटर क्या बोला है, 80 मीटर. तो मान लेते हैं इसका लेंथ है x, तो मैं 2 × L + B = 80. हम लोग जानते हैं रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, 2 × L × B. एल का वैल्यू एक्स लिखा है, बी पड़ा हुआ है, ब्रेथ पड़ा हुआ है, तो 2 को इसका नीचे नमाओ, 80/2 दैट इज 40. तो b इज इक्वल टू क्या होगा, 40 - x. तो ब्रेथ कितना हो गया, 40 - x हो गया. मतलब अगर लेंथ हो गया x तो ब्रेथ कितना होगा, 40 - x होगा. तो एरिया क्या होगा, बोला है 400. चलो 400 लिख दो, लेंथ इनटू ब्रेथ मतलब एरिया होता है दैट इज 400. अब इसको देखो मल्टीप्लाई करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में लिखो, लिख दिया मैं. अब इसमें तो सिंपल आ गया कि x - 20 = 0. सो 20 और 20 तो मिल ही गया वैल्यू डायरेक्ट, यस इट कुड बी पॉसिबल. इसे चेक करने का भी जरूरत नहीं, इतना इजी सम सम चूज कर लिया, तो डायरेक्ट निकाल ही गया. सेकंड वाला देखो सम्स, ये पता चलेगा तुम्हारा क्लियर. 4 इसमें देखो क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 4 इज इट फॉलोइंग द सिचुएशन, फॉलोइंग सिचुएशन इज पॉसिबल, डिटरमाइन द प्रेजेंट एज. मान लो सम ऑफ द एज ऑफ द टू फ्रेंड्स बोला 20 इयर्स, 4 इयर्स से को बोला प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 48. तो ये सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं है चेक करना है, वेरी सिंपल. चलो 4 इयर्स से को बोला है फर्स्ट फ्रेंड का एज कितना है, x - 4 इयर्स. तो हम एज्यूम करते थे दोनों का सम कितना है, बोला 20, ठीक है. तो एक का बोला है x इयर्स, तो सेकंड का कितना होगा, 20 - x होगा, राइट. दोनों का सम है ना, तो एक का अगर x होगा सेकंड का कितना होगा, 20 - x होगा. अब 4 इयर्स से क्या होगा, एज ऑफ द फर्स्ट फ्रेंड होगा x - 4, और सेकंड फ्रेंड का कितना होगा, एज कितना था, 20 - x था, तो -4 कर दो, कमती कर दो,
तो 20 माइनस एक्स माइनस फोर मतलब क्या होगा 16 माइनस एक्स। तो फर्स्ट फ्रेंड का एज कितना है एक्स माइनस फोर, सेकेंड फ्रेंड का एज कितना है 16 माइनस एक्स। अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे इक्वल टू 48। अभी देखो वेरी सिंपल टू से कि x इंटू 16 कितना होता है 16x, फिर x इंटू माइनस एक्स क्या होता है माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस फोर इंटू 16 कितना होगा माइनस 80, फिर माइनस फोर इंटू माइनस एक्स क्या होता है प्लस 4x। तो प्लस 4x हो गया एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट इस साइड में क्या है 48 है। देखो 16x प्लस 4x बनता कितना होता है प्लस 20x होता है, माइनस एक्स स्क्वायर है और सारे पार्ट को शिफ्ट करोगे तो क्या बनता है देखो ये इक्वेशन आ जाता है। अब क्या करेगा इसको बी निकालो फर्स्ट, डी निकालो फर्स्ट। तो पहले कंपेयर करो ए निकाल गया ये इक्वेशन का सब कंपेयर करके, ये बी हो गया ये सी हो गया। अब देखो इसमें क्या होता है कि डी लेस देन जीरो आ रहा है, तो डी लेस देन जीरो आना तक के मतलब क्या है कि सो द इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, दैट मींस द सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। समझ गए बताओ कोई डाउट है इसका? नो सर। सो ये हो गया तुम्हारा फुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन।